Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama. Hare Krishna. So welcome to this Q&A session on the value of association. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस प्रश्नों के दौर को. तो पहला सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, इज प्राइमरी एसोसिएशन सूटेबल थ्रू यूट्यूब और फेसबुक व्हेन द डिवोटीज आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम रीजन? वेल, वाकई में जब अगर डिवोटीज अगर नहीं है देन ऑफ कोर्स देन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं यूट्यूब पे. बट अगेन इन द गाइडेंस ऑफ सम डिवोटीज, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं विच आर देयर ऑन यूट्यूब पोस्टिंग वेरियस थिंग्स, सो वी शुड ऑल्सो वेरी चूजी. इसको ऑफकोर्स अगर वो इस्कॉन का कोई वीडियो है जिसमें कोई वैष्णव एक अच्छे इन गुड स्टैंडिंग इज स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, दैट्स परफेक्टली फाइन. सो अगर डिवोटी एसोसिएशन अगर अवेलेबल नहीं है देन ऑफकोर्स देन वी कैन रिजॉर्ट टू सच वेज ऑफ एसोसिएशन. सो अगला सवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन माई एसोसिएशन वॉज बैड, बट नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड the purpose of the life, how can I make a distance from my friends because suddenly I can't ask them to go away? Is there any way? And nowadays we see most people are bad, so we are left with no choice but to make association with these people as a student. Please help. वो तो क्या, एक तो चीज़ होती है proximity, जैसे हम डिस्कस किया था, हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं, they can be there in my proximity because we have some kind of social exchanges, because अब ये पढ़ रहे हैं तो कभी कभी नोट्स एक्सचेंज करने होते हैं, कोई चीज़ अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वाइवा एट्सेट्रा, कुछ ना कुछ डिस्कशन वगैरह करना पड़ता है. इस तरह का जो एक्सचेंजेस हैं दे आर ओके, इस तरह के एक्सचेंजेस हम कर सकते हैं. लेकिन जहाँ यारी दोस्ती इन द सेंस लेट नाइट मूविंग अराउंड, वो चीज़ है हमें अवॉइड करनी चाहिए. और कोशिश करिए कि आपके दोस्तों में कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा हो जो थोड़ा सा रिलीजियसली इंक्लाइंड है, उसको बोले थोड़ा सा प्रीचिंग करके उसको अपने साथ लेकर के आइए, सो दैट दिस पर्सन ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअल ग्रेजुअली. तो इस तरह से धीरे धीरे करके, बल्कि बजाय कि ये डर रहे हैं कि हम उनसे एसोसिएशन लेकर कहीं बिगड़ ना जाएं, बल्कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बल्कि उनको एसोसिएशन दे करके भक्ति में ला सकें. तो जो भक्ति में लेकर के आ रहा है दैट पर्सन इज एक्चुअली द रियल फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड. तो हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा, बट सम पीपल दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी सात्विक, दे आर वेरी इक्विपॉइज, शांत होते हैं एंड दे आर रेडी फॉर स्पिरिचुअलिटी. तो इस तरह से बल्कि उनको भक्ति में लाने का प्रयास कर सकते हैं आप. बाकी उनकी कुछ ऐसे कुछ नॉनसेंस जोक्स वगैरह कुछ होते हैं, सो समटाइम्स वी हैव टू लिसन, क्या कर सकते हैं उसमें. पर ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करते हैं, हम हृदय को नहीं रमाते, बिकॉज हमने डिस्कस किया था वैल्यू एसोसिएशन में, वेयर आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड और गेटिंग अफेक्टेड इन समबडीज कंपेनियनशिप इज एसोसिएशन. अगर ये नहीं हो रहा अगर, तो एसोसिएशन नहीं है. इट्स लाइक प्रॉक्सिमिटी, इज लाइक बींग हैविंग सम सोशल गैदरिंग एंड ऑल दैट. जैसे हम ऑफिस में अगर आप होंगे, सो वी कैन से ओके गिव मी दैट रिपोर्ट, गिव मी दैट फाइल, अच्छा मुझे मेल कर देना. सो वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सचेंजेस, पर ये एसोसिएशन है बिकॉज इसमें दिल नहीं लगा बैठते हम लोग. पर लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो एक्सचेंजेस आदान प्रदान होता है, बातचीत करना, गुड मॉर्निंग करना, विश करना, गुड नाइट, गुड इवनिंग, दैट्स ओके, शेकिंग हैंड. सो ये चलता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड, सो वी कांट बी लाइक टू मच ऑफ महात्मा. ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल जो है तीसरा सवाल, वह हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या नर सेवा, दान, काइंडनेस, गुड बिहेवियर, इनका कोई मतलब नहीं हरि को? ओके, क्या ये सब कार्य हरि नहीं देखते, सिंस यू नेवर मेंशन दीज थिंग्स इन द सेशन? देखिए, जो नर सेवा है वो करना चाहिए, लेकिन नर सेवा कौन सी की जाए ताकि नर ना नारायण के पास आ जाए, ये वाली नर सेवा हमको करनी चाहिए. जैसे हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम प्रसाद बांट रहे हैं, खाना नहीं, प्रसाद बांट रहे हैं, तो नर की सेवा कर दी हमने, राइट? अगर हम लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहे हैं तो ये भी हम नर की सेवा करें. लोगों की इग्नोरेंस जा रही है, पीपल आर बिकमिंग एनलाइटेंड कि नर की सेवा हो रही है. सो नर जो है नारायण के नज़दीक आ रहे हैं, नर जो है वो माधव के पास आ रहा है, मानव माधव के पास आ रहा है, ये वाली नर सेवा हमको करनी चाहिए. दान बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन दान ऐसा करना चाहिए जिससे कि वाकई में किसी का होलिस्टिक केयर हो. जैसे गरीब को अगर आपने दान कर दिया, अगर फॉर टाइम बीइंग या इट्स अ बेनिफिट, पर लॉन्ग टर्म में क्या है, व्यक्ति फिर भी अभी जन्म मृत्यु चक्कर में है. लेकिन दान करना है तो कृष्ण प्रसाद करें कि आपने कुकिंग की है, ओके हम मार्केट में जाएंगे
मार्केट में जाकर के हम 20 गरीबों को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खिलाएंगे और हरे कृष्णा भी बुलवाएंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन। जैसे मुझसे भी गरीब कई लोग आते हैं, जैसे रेड लाइट पर भीख मांगने के लिए आते हैं, तो मेरे पास प्रसाद होता है तो प्रसाद देता हूँ, प्रसाद नहीं होता तो पैसे भी देता हूँ मैं। आई विल टेक 10 रुपी का नोट, पर मैं बोलूँगा नहीं, पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण, वो पूरा महामंत्र बोलते हैं वो, तो महामंत्र बोल दिया कि ये 10 रुपये आपके लिए, तो नाम बुला करके हमने दान दिया। सो दैट वेज ना स्पिरिचुअल बेनिफिट जरूर देखना है, कृष्णा कनेक्शन को जरूर लेकर के आना है। काइंडनेस, यही काइंडनेस है एक्चुअली। जैसे अभी हम लोगों ने कई लोगों को प्रसाद वगैरह बांटते हैं, हम लोग अभी इस्कॉन ने करीब 10 करोड़ लोगों को प्रसाद बांटा है पूरे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग COVID-19 ओनली, पूरे ऑल ओवर इंडिया। अकेले सिर्फ द्वारका ने 3 करोड़ प्रसाद की प्लेट्स बांटी हैं। सो दैट वेज इतना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये काइंडनेस ही तो है। लेकिन खाना नहीं, प्रसाद दिया हमने सबको, हरे कृष्णा भी कराया और भगवदगीता भी लेके जाते थे, कोई भगवदगीता लेना चाहे वी हैव डिस्काउंटेड प्राइस में गीता भी ले सकता है, वो भी किया। जहाँ जहाँ पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता था वहाँ वहाँ पर कीर्तन भी करते थे कि भाई भगवान का नाम भी सुनिए आप। दैट काइंड ऑफ काइंडनेस शुड बी देयर विद कृष्णा कनेक्शन। सो गुड बिहेवियर, जो संत है भक्त है उसका बिहेवियर अच्छा ही होगा, राइट। कुछ होते हैं जो थोड़े से वियर्ड होते हैं, बट अदरवाइज डिवोटीज आर वेरी वेरी नॉर्मल, दे आर वेरी हैप्पी गो लकी। तो ये सब भगवान देखेंगे ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो हम आपको इस सब के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर इसमें कृष्णा कनेक्शन लेकर के आए। कृष्णा कनेक्शन के बिना क्या है, इट्स लाइक अ मंडेन मोरालिटी जिसका टेम्परेरी बेनिफिट होता है बस। तो परमानेंट बेनिफिट के लिए कृष्णा कनेक्शन। ओके, अगला सवाल है कि हाउ टू एसोसिएट विद द शिवा एज ही इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ ऑल। वेल, उसके लिए आप जो है शिव जी की जो गुणाख्यान है जो कि आता है 4th canto के अंदर, जहाँ पर कि मदर पार्वती शी इज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड शिवा, सो हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा कैन इंस्पायर यू। और कितनी सारी लीलाएं हैं शिव जी की वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के साथ, जब उनके बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे, दैट मीन्स वी आर एसोसिएटिंग विद लॉर्ड शिवा बाय एसोसिएटिंग विद हिज गुड क्वालिटीज एंड हिज ग्लोरीज लाइक दैट। तो इस तरह से हम शिव जी का संकर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाउ टू रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन टीवी एंड इंटरनेट गेम्स। एक तो ये है कि ना जीरो मत करिए, थोड़ा सा दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल से यू कैन आस्क अ चाइल्ड टू प्ले वीडियो गेम बट फॉर हाफ एन आवर, बेटा आधा घंटा खेलना, 6 से 6:30 आपको खेलना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो एक तो टाइम लिमिट कर दीजिए। सेकंडली क्या है, बच्चे की लाइफ में कोई दूसरी पॉजिटिव एंगेजमेंट लेकर के आइए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, गिटार सीख ले, करतार सीख ले, मृदंगा सीख ले, हारमोनियम सीख ले, राइट। कोई स्पोर्ट्स आ जाए, बच्चा बैडमिंटन खेल ले, टेनिस खेल ले, तो ये बच्चे के लिए अच्छा है। पर ये जो गेम्स हैं टीवी और इंटरनेट की, ओह माय गॉड, तो इससे क्या है बच्चा बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली उसका शरीर भी खराब हो जाएगा, उसकी सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है, उसका आईक्यू है वो कमज़ोर हो जाएगा। सो दैट वेज बच्चे को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देनी है और जो करना चाह रहा है, विच एवरी वन इज डूइंग, यू नो, व्हाट्सएप फेसबुक करना है, लेकिन उसकी टाइम लिमिट हाफ एन आवर। बाकी समय में पढ़ना है, खेलना कूदना है, उसे मेनली पढ़ाई भी करनी है, ऑफकोर्स खेलना कूदना भी है। सो इन दिस वे वी कैन एंगेज द चिल्ड्रन ग्रेजुअली एंड दे कैन टेक टू कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू बिकम एंथुजियास्टिक एंड मोटिवेट ऑल टाइम फॉर ABCDEF। ओके, इन केस हैविंग नो एसोसिएशन विद डिवोटीज नियर बाई मी, देन यू कैन हैव ऑनलाइन एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा इस्कॉन डिजायर ट्री है, या फिर ऑनलाइन सेशंस हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, सब ऑनलाइन संगा कर रहे हैं, तो ऑनलाइन संगा करना चाहिए। साथ ही हमें शास्त्र संग करना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना चाहिए। बुक्स सबके पास है, ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स अदरवाइज खोल के पढ़ने के बली भी हैं। टेक मोर एंड मोर एसोसिएशन दिस वे। सो शास्त्र संगा एंड ऑनलाइन संगा कैन हेल्प अस टेक केयर ऑफ दिस COVID-19 सिचुएशन। ओके ना, ओके एसोसिएशन होगी। सो ओके, कमिंग इन गुड एसोसिएशन डिवोटीज इन्फ्लुएंसेस एंड चेंजेस आवर, कमिंग इन गुड एसोसिएशन डिवोटीज इन्फ्लुएंसेस एंड चेंजेस आवर विजन गोल। बट एज वी गो इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफिस एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, ईगोइस्टिक, जेलस, सेल्फ सेंटर्ड, लस्टी, इट किल्स द पॉजिटिविटी विद इन अस। हाउ कैन वी फाइट विद दीज थ्रू आवर पॉजिटिविटी थ्रू गुड एसोसिएशन ऑफ बैलेंस दीज टू पॉइंट्स। देखिए, एक तो बहुत जरूरी है मॉर्निंग साधना। अब मॉर्निंग साधना करके जाएंगे ना, इवन दो यू आर वर्किंग इन ऑफिस, भले वहाँ जेलस लोग हों, हिपोक्रिटिकल लोग हों, डुप्लीशियस लोग हों, यू आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज यू आर हैविंग ए मॉर्निंग साधना। इन द मॉर्निंग यू चैंट हरे कृष्ण वेरी नाइसली, तो बैड एसोसिएशन आपको पियर्स नहीं कर पाएगी, ठीक है जी। सेकंडली, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, व्हेन वी आर इन द ऑफिस देन वी आर डीलिंग, वी आर हैविंग मोर सोशल एक्सचेंजेस। हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आर यू डन विद दैट रिपोर्ट, आई सी ओके, कैन वी हैव अ मीटिंग सो दैट वी कैन फाइनलाइज द एजेंडा। अब ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ऑफिस में जब करते हैं काम, राइट। वहाँ शेक हैंड भी करना पड़ता है, चाहे प्रभु हो या माता जी हो, लड़का हो लड़की हो, हैंड शेक करना पड़ता है। हेलो मिस जोसेफ, हेलो मिस्टर सिंह,
करना पड़ता है, दैट्स द वे। वहाँ ही नहीं कर सकते हम स्त्री को नहीं छुएंगे, वहाँ नहीं कर सकते ऐसा भाई। सो दैट इज़ व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑफिस, देयर वी हैव टू डू सोशल एक्सचेंजेस वेयर विनिमय जो कोई करने की आवश्यकता पड़ती है, एंड वी शुड बी चेयरफुल एज वेल, राइट। पर वो बोले आज अभी डिस्को थेक में चलना है, वहाँ डांस वांस करेंगे, देन वी कैन से वेल आई कांट गो बिकॉज आई गॉट सम एंगेजमेंट, तो मैं वहाँ तो नहीं आ पाऊँगा, बट अदरवाइज वी कैन व्हेन दे हैव सम सोशल गैदरिंग विद इन ऑफिस तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ फिल्म सॉन्ग्स एंड डांसिंग एंड ऑल दैट, तो वहाँ खड़े होकर आ जाए, वी कैन वी वॉच इट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, दैट्स इट। तो इस तरह से अगर रहेंगे देन इवन इन ऑफिस वी कैन मैनेज ऑल दीज अफेयर्स एंड मेंटेन आवर भक्ति पैरेलली एज वेल। ओके, हाउ कैन अ स्कूल बॉय अवॉइड बैड एसोसिएशन ऑफ स्कूल फ्रेंड्स? बाय हैविंग गुड फ्रेंड्स। अच्छे बच्चे भी होते थे स्कूल के अंदर, ऐसा नहीं होते सारे बदमाश हैं, अपने एक बड़े छोटा ग्रुप हो लेकिन छोटे ग्रुप के अंदर जो है लाइक माइंडेड लोग हों और उनके साथ हम एसोसिएशन रख सकते हैं। देर आर ऑलवेज सम स्टूडियस पीपल जो कि अच्छे एसोसिएशन वाले भी होते हैं, शरीफ ही होते हैं बच्चे, ऐसे भी होते हैं, इक्का दुक्का ही होते हैं भले, लेकिन होते हैं। वो ढूंढिए एंड यू कैन हैव फ्रेंडशिप विद देम एंड ग्रेजुअली ट्राई टू मेक देम डिवोटी, अगर वो भी थोड़ा हरे कृष्णा कर सके से गोपाल फन स्कूल के थ्रू, सम कॉम्पिटिशन के थ्रू, सम गीता रिसाइटेशन, श्लोका रिसाइटेशन, लाइक दैट, तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्कूल में रह करके बुरी एसोसिएशन से बच सकते हैं, दैट्स अ वे। तो घबराना नहीं चाहिए भाई, अब क्या होगा, बुरी एसोसिएशन आ गई हमें बिगाड़ देगी। यू कैन ऑलवेज बी वी शुड चूज अबाउट गुड एसोसिएशन एंड दैट विल प्रोटेक्ट अस। प्रभु जी, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, वी गेट लेस टाइम ऑल्सो, हाउ टू गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? सो इन केस यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, सो वंस इन अ वीक कम टू द टेम्पल फॉर एसोसिएशन, से अर्ली मॉर्निंग यू कम, जैसे हमारे कई डिवोटीज जो कि वर्किंग है, वंस इन अ वीक दे कम फॉर मंगल आरती। अभी तो खैर लॉकडाउन है तो अभी तो नहीं हो पाएगा, बट यस यू कैन कम फॉर मंगल आरती एंड देन अटेंड मॉर्निंग जपा विद अस विद द डिवोटीज एंड देन यू हैव प्रसादम विद अस, ऑल्सो हियर श्रीमद भागवतम क्लास, एसोसिएशन वंस इन अ वीक ये करना चाहिए। बाकी ऑनलाइन संघा इज ऑल्सो देयर, बाकी शास्त्र संघ भी हमको करना चाहिए, दैट वेज इवन दोज हु आर प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे कैन ऑल्सो हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इट इज पॉसिबल। ओके, बट वी आर जस्ट फाइंड आउट द मीन्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा फ्रेंड है वो ड्रिंक करता है तो उससे फ्रेंडशिप तो तोड़ लेनी चाहिए? वेल, अगर ड्रिंक करता है तो उसके ड्रिंक छुड़वाइए आप। हमें जो दुखियारी आत्मा है ना उसे दूर नहीं भागना, हमें क्या करना है, दुखियारी आत्माओं की बल्कि हेल्प करना है ताकि उसे दारू छूट जाए। सो यू प्रीच टू द पर्सन द डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, बार बार उसको बताइए, हेल्प द पर्सन कम आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अगर आपको लगता है कि आप ही ड्रिंक करना शुरू कर दोगे फिर आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो कि भैया पता लगा मैं ही बेवड़ा हो गया, अरे भाई तो आप फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, अदरवाइज चाहिए कि उसका बेवड़ा बनती है उसकी छूट जाए, उसकी दारू छूट जाए। ट्राई बेस्ट, गिव सम प्रसाद, लेट हिम कम टू द टेम्पल वंस इन अ वाइल, कि भाई तू इतनी दारू पी आया है, आ थोड़ा चढ़ना में भी पीते हैं, ले आओ उसको मंदिर में, आ गया अच्छी बात है, नहीं आया ठीक है, उसकी इच्छा क्या कर सकते हैं। सो दैट इज ट्राई टू हेल्प द पर्सन कम आउट ऑफ दिस बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। तो हमें दुनिया को अपना संग देना है, उनसे संग लेना नहीं है, पर हमें उनको संग देना है। पर आपको लग रहा है आप बहुत कमजोर हो कि संग देने के बजाय संग ले बैठोगे, देन यू मेंटेन डिस्टेंस एंड सेव योरसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि प्रभु जी, हाउ टू चेंज आवर बैड एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ दोज पर्सन्स हु एक्चुअली यूज़ेस यू विदाउट मेकिंग देम एनिमीज। देखिए, सोशल एक्सचेंज में क्या होता है, कुछ लोग ना जाने अनजाने में थोड़ा बहुत यूज हमें कर ही लेते हैं, भाई किसी ने थोड़ी हेल्प ली, आ रही है कर दे, आ रही है कर दे, थोड़ा बहुत तो वो होता है। पर आपको लगता है कोई रेगुलरली आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, तो जो है देन वी आर टू माख लाइन कि भाई नहीं यार मैं ऐसे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो होता क्या है, ना करना बुरा नहीं लगता, ना हम कैसे करते हैं उससे बुरा लग जाता है लोगों को। अगर मैं बोले नहीं कर रहा यार, यूज़ करो तो मेरे को हर बार हद हो गई है, इससे उसको बुरा लग जाएगा। आप ये बोलिए, मेरी इच्छा तो बहुत थी करने की, पर क्या करूँ, दिस टाइम आई वुड नॉट बी एबल टू बिकॉज आई हैव गॉट सम एंगेजमेंट, यू नो, तो इस बार नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी यार, बट आई होप एंड प्रे आपका काम हो जाए, दैट्स इट। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ सेइंग नो। तो ना कहने का जो है तरीका आपका कैसा है, तो दैट वेज देर आर पीपल ऑफकोर्स देर आर वो आर यूजिंग अस, पर टू सम एक्सटेंट हमें यूज़ का मतलब हेल्प करनी पड़ती है लोगों की। सो वी आर टू जस्ट सी टू मार्क अ लाइन, वी आर गेटिंग यूज एंड वी आर एक्चुअली हेल्पिंग समवन, दैट वी आर टू डिसाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सर, इफ पेरेंट्स आर अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी देन व्हाट टू डू? देखिए, पेरेंट्स का क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का अगेंस्ट नहीं होता, उनको लगता है कि ना ये स्पिरिचुअलिटी में कहीं अपना करियर ना खराब कर ले, पढ़ाई लिखाई में इसका फोकस चला गया तो नंबर खराब आ जाए, फिर इसका भविष्य खराब हो जाएगा। दैट इज क्या, अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में माता पिता को दिक्कत नहीं होती। और थोड़ा सा ना मतलब जैसे वंस इन अ वीक चले गए मंदिर, इतना काफ़ी है। अब जो रोज़ रोज़ अगर मंदिर आएँ तो पेरेंट्स डर जाते हैं, भाई ऐसा ना हो संत महात्मा हो जाइए,
वो माता पिता अगर संत हो तो उनको खुशी होगी कि भाई संत महात्मा हो जाए, पर ज़्यादातर पेरेंट्स हैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि आप संत महात्मा हो जाओ, सो नहीं कर पाते। तो फिर हम उस हिसाब से चलेंगे कि दैट वी विल चैंट हरे कृष्णा इन द मॉर्निंग, आपने मान लो 4-5 माला की, बाकी टाइम जो आप पढ़ाई लिखाई करो, खेलो कूदो, दैट्स फाइन। ठीक है जी, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स माला दिखकर डर जाते हैं, अरे इसने माला पकड़ ली भाई, तो आप काउंटर ले लीजिए, काउंटर ले करके थोड़ा वॉक पे निकल जाइए, वॉक में करते करते हरे कृष्णा करते हुए अब वापस आ गए, दैट वे दैट्स फाइन। एट द टाइम यू स्टडी वेरी वेल। साथ ही क्या है, घर में किसी डिवोटी को इन्वाइट करिए, पेरेंट्स होंगे हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, वो धीरे धीरे करके आपके पेरेंट्स को डिवोटी बनाएंगे। जब पेरेंट्स जब डिवोटी बनते हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा बच्चा भी जी भक्त है। जब पेरेंट्स डिवोटी नहीं होते कहते हैं अरे देखो पता नहीं संत महात्मा बन जाएगा, फिर किसी मंदिर में बैठ जाएगा, फिर घंटा वंटा बजाएगा बस, और कहीं तो सारा करियर खराब कर लेगा। तो कई लोगों की ऐसी इमेज होती है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, पर यूजली ऐसा होता नहीं है, पर ऐसी इमेज है पेरेंट्स की। तो इसलिए उस इमेज को चेंज करेंगे, ऐसे डिवोटी पेरेंट्स जिनको आपने घर में इन्वाइट किया, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल फंक्शन है वहाँ पर पेरेंट्स को लेकर के आ गए, मंदिर में कई बार फंक्शंस होते हैं उसे माता पिता को लेकर के आए, तो इस तरह से माता पिता को जब एक्सपोजर मिलता है तो धीरे धीरे वो भी समझ पाते हैं कि ओके स्पिरिचुअलिटी जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है एक्चुअली। यस, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो, यू वेरी सीरियस अबाउट योर कोचिंग, यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड ऑल दैट, सो दे आर ओके विद दैट। तो इसे वी हैव टू बैलेंस। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी दिखाओगे तो पेरेंट्स थोड़ा डर जाते बिकॉज दे आर कंसर्न फॉर योर करियर, दैट्स इट, अदरवाइज दे आर ओके फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो अगला सवाल है, हाउ टू डील विद सिचुएशंस वेयर यू गेट फोर्स इनटू बैड एसोसिएशन एंड पीपल इन जनरल ट्रीट यू बैडली बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट द बैड हैबिट्स। ओके, मैन इज अ सोशल एनिमल, हाउ कैन वन सर्वाइव विदाउट सोशल एक्सेप्टेंस, वन विल ऑलवेज बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस एंड विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिंस सैडनेस फ्रस्ट्रेशन एंगर विल बी ओवरवेलमिंग। होता क्या है, समटाइम्स वी डोंट हैव टू टेल दैट व्हाट आई एम नॉट डूइंग इज बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू कैन गिव सम अदर रीजन, लाइक सपोज एग्जांपल समबडी ऑफर्स वाइन, कह ले भाई तू भी दारू पी ले, कहना नहीं नहीं हुआ क्या मेरे ना मेरी एक्चुअली जो किडनी है बहुत वीक है, तो मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो मुझको वाइन के लिए मना किया हुआ है और 2-3 चीज़ और गिना दो, जो मुझको स्क्वाश के लिए मना किया हुआ है और एनी काइंड ऑफ लाइक से बियर एंड ऑल दैट ये मैं ना ले लूँगा बिकॉज ऑफ माई मेडिकल रीजन्स, यू नो अगर वो हो जाएगा देन आई विल बी सिक फॉर नेक्स्ट 10 डेज, आई वुड बी गॉन बिकॉज आई विल बी कॉन्टिन्यूसली यूरिनेटिंग, यू नो, तो इसलिए फिर आई बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन्स आई एम नॉट, यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ रीजन एज वेल। कई लोग और जनरली नहीं पीते बिकॉज दे हैव फिजिकल फिटनेस इश्यूज, जैसे कि अक्षय कुमार है, वैन ही इज अ फिल्म स्टार सुपर स्टार, पीपल ऑफर हिम ड्रिंक बट ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट टेक मीट बिकॉज उसका फिटनेस का है, मुझे पता है दारू पीऊंगा मेरा चेहरा फूल जाएगा भाई, दारू पी के चेहरा गोल हो जाता है, जितने फूले फूले नज़र आ रहे हैं ना आपको चेहरे फिल्म स्टार्स के, बेसिकली लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर दारू पीते हैं, तो हम देखते हैं अक्षय कुमार इज सो फिट एंड फाइन, वाई बिकॉज ही डजेंट गेट इन टू ऑल एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ही गोज टू द पार्टी बट इट इज नहीं है भाई आई एम सॉरी आई वुड नॉट एबल बिकॉज ऑफ माई फिजिकल हेल्थ रीजंस, सो वी कैन ऑल्सो गिव दिस काइंड ऑफ रीजन्स, ओके फॉर हेल्थ रीजन्स लाइक दैट। ऐसे कभी जैसे कि ना ऑफिस में जाओ तो ना लोग आपकी लंच में से कुछ ना निकाले थे और आलू को पराठा लाया और दो और भी आपके में से झूठा, आपने झूठे हाथ से आपके उसमें निकाल, अरे भाई तो बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है भाई क्या करें, लेकिन है ना इसी समाज के अंदर है भाई। सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं अपनी माँ को बोला करता था माँ एक एक्स्ट्रा पराठा बनाया करो, ठीक है, उस एक्स्ट्रा पराठे को मैं क्या करता था, मैं रख दिया करता था अपने लंच बॉक्स के ढक्कन के अंदर, तो मेरा ढक्कन पड़ा हुआ है उसका लंच बॉक्स का और यहाँ पर मेरा लंच बॉक्स है, आई एम हैविंग इट, मैं कहता हूँ अगर कोई लेना चाहे सो प्लीज़ यू नो इट्स अप टू यू, इट्स आलू का पराठा इज वेरी टेस्टी एनीबडी, तो उसमें से लोग जो है चक चक करके निकाल लिया करते थे नहीं, और फिर मेरी जो मेरा जो लंच है उसको नहीं छेड़ेंगे। सो दैट मीन्स वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ जुगाड़ वेयर वी कैन हैंडल द पीपल सोशली एज वेल एंड येट मेंटेनिंग आवर प्योरिटी। जैसे कभी कभी जैसे हमको मूवीज के लिए जाना पड़ता था वैन आई वॉज वर्किंग, पूरी टीम जो है वो मूवी के लिए जा रही है, तो देख लिया वो वल्गर मूवी है उसको थोड़ा रिव्यू देख लिया, नहीं ठीक ठाक मूवी है, इट सम काइंड ऑफ थ्रिलर मूवी, तो जा करके आप एक आध बार कभी देख भी आए, बाकी अगली 3 बार नहीं गए, नहीं मैं नहीं जा पा रहा बिकॉज इन आई गॉट सम सर्विस, पर एक आध बार चले भी गए, 4 में से 1 बार चले गए, 3 बार ही नहीं गए, तो इस तरह सोशली वी मेंटेन अ बैलेंस लाइक दैट। तो बाकी तो जैसे जैसे लाइफ सिचुएशन आएगी वी कैन ऑलवेज टेल व्हाट इज माय पर्सनल थिंग, यू नो मैं अभी नहीं जा पाऊंगा या ये खाना नहीं खा पाऊंगा या वैसा कर पाऊंगा ऐसा नहीं कर पाऊंगा लाइक दैट। जैसे हमारे ऑफिस के टाइम में वही हुआ करते थे रिवर राफ्टिंग के लिए चलना है, मुझे पता है ये लोग रिवर राफ्टिंग में करेंगे वहाँ दारू भी पियेंगे, वहाँ ठंडी ठंडी नदी बहरी होती है गंगा नदी है उसमें फिर दारू भी रखते हैं, जो दारू ठंडी हो जाती है बियर ठंडी हो जाती है फिर वहाँ से निकाल करके फिर ढक ढक करके पीते भी हैं। अब मैं इसमें कहाँ अपने आप को एडजस्ट करूँगा, सो आई वुड से वेल आई गॉट अ वन ऑनलाइन कोर्स, तो फिर मैं उसके ड्यूरेशन यही है तो आई वुड नॉट एबल टू
अच्छा, एंड बिकॉज ही न्यू दैट आई एम हरे कृष्णा, तो इसलिए वो प्रपोज भी नहीं करते थे आ जा चले, क्योंकि उनको पता था इसके सामने हम क्या दारू पियेंगे, यू नो ही विल बी अनकम्फर्टेबल, हम भी अनकम्फर्टेबल रहेंगे. सो दैट वेज वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट रीजन टू टू सोशली एक्सप्रेस आवर रिलक्टेंस टू गेट एंगेज इन सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक दैट. तो इस तरह से हम लोग बच सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what to do when one has super negative association at home like in depression. देखिए ऐसे में ना आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा. स्पिरिचुअली जो स्ट्रांग व्यक्ति होता है ना, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ना डिप्रेस्ड व्यक्ति अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, तो बल्कि आपकी स्पिरिचुअलिटी का अफेक्ट पड़ रहा होता है उसकी डिप्रेशन के ऊपर. तो इसीलिए अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर नेगेटिव व्यक्ति है इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन का व्यक्ति है, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए, गेट अप इन द मॉर्निंग एंड चैंट योर राउंड्स वेरी नाइसली, सो दैट एटलीस्ट यू बिकम अलूफ फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है जी. ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बताया कि न्यूज़पेपर सोर्स ऑफ कुछ सच गार्बेज है, बट स्टूडेंट्स के लिए जो जो सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे स्टूडेंट इस ग्लैमर से कैसे बचे, इस पर आप कृपया कुछ एडवाइस दें. देखिए पढ़ाई के लिए ना हमें कई बार पढ़ना ही पड़ता है, अखबार पढ़ना पड़ेगा आपको, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए हैं उसको मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, उसको मनोरमा ईयरबुक पढ़नी पड़ेगी, और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती है वो पढ़नी पड़ेगी, मैगजीन्स ही पढ़नी पड़ेंगी उसको, राइट. तो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो फिर उसमें हम वो किताबें पढ़ते भी हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लाइवलीहुड, राइट. अब जैसे हमें अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो अब C++ के अंदर भगवान नहीं है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो, लेकिन जब सीखना है तो करना है. हाँ जी, ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ये फॉर लूप हैं, ये डू व्हाइल लूप हैं, ये है अब जो है सो है जी, अब सीखना पड़ेगा उसको. सो दैट वेज देन वन कैन रीड ऑल दीज बुक्स, ओके, करनी पड़ती हैं, व्हाट टू डू. तो इसलिए उसमें कोई खराबी नहीं. देन वी व्हेन वी आर टॉकिंग इट इन टर्म्स ऑफ गार्बेज, वी आर टॉकिंग की ना जब जरूरत नहीं भी है तो भी जो अखबार पढ़े जा रहे हैं कई लोग घर में जाए 10-10, 12-12 अखबार, ये चाटा अखबार, फिर दूसरा अखबार उठाएं. अरे यार, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस तैयारी कर रहा है, देन वन कैन सर्टनली रीड न्यूज़पेपर, बिकॉज जरूरी है, क्या कर सकते हैं. सो दैट इज फॉर रीडिंग फॉर कॉम्पिटिशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड रीडिंग एंड रूटीन वाइज, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. रूटीन वाइज के लिए हम डिस्करेज कर रहे हैं, बट सिविल सर्विसेज के लिए आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं लाइक दैट. ओके, अगला सवाल है, मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, सो मुझे ना चाहते हुए भी वर्कर्स के साथ वैसे बातें करनी पड़ती हैं जैसे वो चाहते हैं, बिकॉज टू बिल्ड रिलेशनशिप, मैं क्या करूं. देखिए होता है क्या ना, कम से कम वल्गर बातों में इनपुट मत दीजिए, वल्गर बातें और कोई कर सकता है, ठीक है, तो भाई सब उस पर हंस दिए, आप भी वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत है इतना, और उसमें इनपुट मत दीजिए. उसने वल्गर बात की, अब यार अरे और तो और नहीं, उसमें इनपुट नहीं देना, सुन लिया आपने उसको, दैट्स इट. सो दैट इज आपका वहाँ पर प्रेजेंस होगी भी, इतनी प्रेजेंस नहीं भी होगी. और होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप अगर आ जाएंगे ना बहुत ज़्यादा, तो आप अपनी ना इंटेग्रिटी खो बैठेंगे. तो इसलिए समवेयर वी हैव टू मार्क आवर लाइन एज वेल. और जैसा आपका बिहेवियर होता है, देन पीपल ऑल्सो रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. देयर आर पीपल हु आर वेरी वेरी सात्विक. इवन मार्केटिंग की दुनिया में ऐसे, मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जो कि बहुत वाइब्रेंट है, येट एट द सेम टाइम दे आर वेरी सोवर. ऐसा नहीं कि हर मार्केटिंग के व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ मसालेदार चटकारेदार होना ही पड़ेगा उसको, टू बी वेरी कन्विंसिंग. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. वी ऑलवेज हैव आर ओन स्टाइल, ओके, और वो स्टाइल जो है लोगों को कनेक्ट करता है. इनकेस वी आर वेरी वाइब्रेंट, वी आर नॉलेजेबल, वी आर वेरी कनेक्टिंग, एट द सेम टाइम वी आर नॉट वल्गर, वी आर नॉट चीप, दैट्स ओके. सम पीपल आर थॉरो जेंटलमैन. तो इसलिए अपनी इंटेग्रिटी को भी कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना चाहिए. अपनी इंटेग्रिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, दैट वन मे डू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, अगला सवाल है कि हाउ कैन अ गर्ल और वुमन और अ विडो एसोशिएट विद डिवोटीज, एज देर आर नो वुमन डिवोटीज हु डज प्रीचिंग एज यू आर गिविंग. वेल एक्चुअली वैसे तो इस तरह की प्रीचिंग में क्या है, इवन लेडीज दे आर ऑल्सो हियरिंग, दे आर ऑल्सो सेंडिंग क्वेश्चंस एंड वी आर आंसरिंग दैम, ओके. लेकिन जो हाँ उनकी जो डे टू डे काउंसलिंग होती है
वो काउंसलिंग के लिए दे शुड रेफर टू सम डिवोटी माता जी एंड वी हैव गॉट नाइस डिवोटी लेडीज इन द टेम्पल हु आर कनेक्टेड टू द टेम्पल एंड दे कैन टेक पर्सनल गाइडेंस एंड कुछ जैसे लेडीज कुछ अपने पर्सनल इशूज़ भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द हस्बैंड और से कुछ बॉडली इशूज़ भी होते हैं दैट दे कैन शेयर विद सम माता जी एंड ऑल दैट बट अदरवाइज जो है दे कैन टेक हेल्प ऑफ द इवन मेल मेम्बर्स लाइक देर आर मेनी लेडीज हु आर कनेक्टेड टू आर टेम्पल दे आर लिसनिंग टू माई लेक्चर्स दे आस्क क्वेश्चंस एज वेल इवन व्हाट्सएप पे मेरे को जो है कुछ सवाल भेज देती हैं दे डू दैट और या ई मेल भेज देती हैं एंड आई ट्राई टू रिप्लाई दैम एज सुन एज पॉसिबल कभी कभी देरी हो जाती है ऑफकोर्स वैन आई एम बिजी सो दैट वेज दे आर टेकिंग एसोसिएशन बट ये है कि लेडीज या देर जैसे हमारे इस्कॉन गर्ल्स फॉरम है सो इस्कॉन गर्ल्स फॉरम में देर इज वन ड्यूटी डिवोटी उनका नाम है श्री सीता माता जी तो उनके साथ कई सारी लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं यंग गर्ल्स हैं और श्री सीता माता शी इज मैरिड एंड शी इज वेरी मैच्योर She gives personal touch to them and this way girls forum is also flourishing in case you have some very very intricate philosophical question you can always ask male devotee as well but meet them in public and we can ask questions and we can also send questions on an email listen to Bhagavatam class where you can raise your hand Prabhuji I've got a question is getting answered that way ladies can also take association even of male devotees like that that's perfectly fine ओके प्रभु जी क्या कली युग में 1/8 ऑफ अ सेकेंड ऑफ अ डिवोटी एसोसिएशन का इफेक्ट होता है पर वो मिटिगेट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन ऑफ कलयुग तो इसे 1/8 नहीं हमको 8 टाइम्स एसोसिएशन करनी है बिकॉज कलयुग इज वेरी डिग्रेडिंग इन नेचर तो फर्क तो पड़ता है लेकिन उतना ही फर्क पड़ता है जैसे कि आप समोसे को अगर माइक्रोवेव में रखें फॉर 2 सेकेंड्स और बाहर निकालें तो गर्म हो ही नहीं जी राइट तो इससे थोड़ा लंबा समय के लिए रखना पड़ता है माइक्रोवेव में 1 मिनट रखें तो समोसा गर्म होगा सो दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस के अवन में थोड़ा ज़्यादा समय बिताना पड़ता है सो कलयुग के अंदर इफेक्ट पड़ता है 1/8 ऑफ अ सेकेंड ऑफ डिवोटी एसोसिएशन का पर वो फिर थोड़ा कवर अप भी होता है बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन इन कलयुग दैट्स देयर ओके हरे कृष्णा एज इट वॉज मैंशन दैट इट टेक्स 1/8 ऑफ अ devotee association that अदर लिविंग बींग कैन अटेन परफेक्शन एंड कैन रीच द हायर कॉन्शियसनेस दिस टाइम इज वेरी लेस So does this thing happen even with someone who is trying to become a devotee or just happen in a case of Narad Muni or other very great devotees of the Lord? Well, it can happen. Hota kya hai jab hum thodi association lete hain 1/8 wali association. Ye hame inspire karti hai for more association. And that association will inspire us for more association. In this way, we move towards Siddhi. That way is 1/8 part of the second association ultimately leads to सिद्धि इस तरह से इसको समझ सकते हैं ओके प्रभु जी हम भक्तों की संगति नहीं कर पाते हैं तो क्या करें क्या इंटरनेट के द्वारा भक्तों का संग कर सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हाँ बिल्कुल कर सकते हैं माई फ्रेंड ऑफन आस्क मी दैट प्रभु जी फ्रॉम इस्कॉन होल्ड एक्सपेंसिव फोन्स हाउ एंड वाई नहीं ऐसा नहीं है हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी उनके पास बटन वाला फोन है 3310 उसी का इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन भी कईयों के पास हैं फिर वो माइक्रोमैक्स वाले हैं 7,000-8,000 वाले फ़ोन्स रखे हुए हैं कुछों के पास अच्छी क्वालिटी के फ़ोन्स भी हैं नो डाउट ऐसे डिवोटीज भी हैं उनके पास अच्छे फ़ोन्स भी हैं तो सबके पास किसी न किसी प्रकार का फ़ोन है किसी पास आईफोन भी है किसी के पास तो जैसे जो मेरे पास फ़ोन है 10,000 रुपये का फ़ोन है आई हैव ऑनर या हुआवी ऑनर तो 10-10,500 रुपये का फ़ोन है तो दैट्स इट किसी का उससे थोड़ा महंगा भी होता है 15,000 का होता है MI का सो लाइक दैट सो दैट वेज हर तरह के फ़ोन है एकदम टुच्चे वाले फ़ोन भी हैं 1,500-2,000 वाले फ़ोन भी हैं जिसके बटन में आप सारे उसके नंबर मिट चुके हैं लेकिन वो टाइप कर लेता है बिकॉज उस पर हाथ बैठा हुआ उसका तो ऐसे वाले फ़ोन भी हैं चल रहे हैं उनके फ़ोन चल रहे हैं तो इस्कॉन डिवोटीज हर तरह के फ़ोन है जिसका जैसा प्रोफाइल जैसे किसी की अगर बड़ा ग्लैमरस प्रोफाइल है उसकी अगर वीडियो वाली प्रोफाइल है इंटरनेट वाली प्रोफाइल है तो उसका होता है उसका वन प्लस 60 7 70 कुछ ऐसा बढ़िया वाला फ़ोन हो क्वाइट पॉसिबल गूगल का फोन हो Pixel 2, Pixel 3 whatever. सो दैट वेज अलग अलग डिवोटीज हैं उनके पास अलग तरह के फ़ोन है भी लेकिन हाँ चाहे फ़ोन कैसा भी उसका यूज़ हो रहा है मिस यूज़ हो रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जिसको मिस यूज़ करना है वो तो बटन वाले फ़ोन पे भी जो है सांप सीढ़ी वाली गेम खेलकर जिसमें कि होता है ना सांप घूम रहा होता है इसमें आपको बॉल पकड़नी होती है उसी में घंटों बता दिए उसने लो जी बटन वाले फ़ोन पे भी टाइम बर्बाद हो सकता है राइट तो इसलिए यूज़ हो रहा है मिस यूज़ हो रहा है दैट्स इम्पॉर्टेंट महंगा फ़ोन या कच्चा फ़ोन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राइट जैसे भक्त हैं कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन घूमते मतलब क्या मतलब ऐसे घूमते रहते हैं वो कोई काम धाम नहीं करते या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए यहाँ से वहाँ गए तो किसी ने अच्छी गाड़ी भेज दी किसी ने मर्सिडीज़ भेज दी कि प्रभु जी हमने गाड़ी भेज दी आप प्लीज़ आ जाइएगा
ठीक है जी। अच्छा आपके पास कोई घटिया गाड़ी नहीं है? कहते नहीं जी, हमारे पास ये मर्सिडीज़ हैं या फिर बेंटले हैं। तो बताइए आप किस में आना चाहेंगे? कहते ठीक है जी, जो मर्जी भेजें। ठीक है, आप बेंटली भेज रहे हैं, उसे बेंटली में आ जाएगा आप। ओके, हेलो भक्त लोग, देखो बेंटली में घूम रहे हैं, देखो भक्त लोग बेंटली में घूम रहे हैं। सर बेंटली में घूमने को खराबी नहीं है, लेकिन बेंटली में जाके वो कर क्या रहे हैं? प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं, जाने दो। कुछ लोग फ्लाइट में भी जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं? प्रीचिंग के लिए, सेवा के लिए, जाने दो। कोई वैसे घूम रहा है अगर भगत बिना किसी कारण के, तो बात और है। सो दैट वेज हैविंग एक्सपेंसिव फोन्स और हैविंग चीप फोन इज नॉट द केस। उसका यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंसिडरेशन। ठीक है जी, अगला सवाल है, देर आर नो एनी प्रीचिंग सेंटर्स इन आवर लोकेलिटी, देन हाउ कैन वी एसोसिएट विद डिवोटीज? वेल, ऐसे मैंने पहले बताया, थ्रू इंटरनेट, यूट्यूब, यू कैन हैव संगा, फेसबुक यू कैन हैव संगा, एज वेल एज शास्त्र संगा, दैट यू कैन डू। इन दिस वे यू कैन हैव डिवोटी एसोसिएशन, इवन दो लोकली देयर इज नो वन टू गिव यू एसोसिएशन। व्हेन पेरेंट्स से नो एसोसिएशन विद साधु संगा, व्हाट कैन आई डू? दिस वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड। सो दैट इज कल्टिवेट देम एज डिवोटीज एंड स्कोर गुड मार्क्स, बी एम्पैथेटिक, बी रेस्पेक्टफुल टू देम, एंड ग्रेजुअली दे विल कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण भाई, आई लव टू एसोसिएट विद डिवोटीज एंड समटाइम्स think of joining temple full time to serve the devotees and the Lord, but my parents are against it and I too care bit for them. What should I do? जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कल्टिवेट करते हैं, मतलब कि उनको भक्ति की और लेकर के आते हैं ग्रेजुअली, सो देन दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ, मतलब अगर ब्रह्मचारी बनना भी इतना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है बल्कि। और हमारे मंदिर में कितने एजुकेटेड डिवोटीज हैं जो ब्रह्मचारी हैं, उनमें से कुछ हैं जो कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि जो बीटेक हैं फ्रॉम NIT जलंधर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वहाँ से गए, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। तो जब वो जाकर देखते हैं, बड़े क्वालिफाइड लोग यहाँ पर ब्रह्मचारी बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई जो अनपढ़ जाहिल गंवार हो और वो घंटा घंटा पीते रहे, घंटे घंटे टेन 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 लाओ, दस दस रुपये डोनेशन लाओ, ऐसे वाले नहीं है। ओके, सो देन दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एज वेल। सो दैट वेज अपने पेरेंट्स को कल्टिवेट करें और फिर उनका आशीर्वाद दे करके देन समबडी कैन ज्वाइन फुल टाइम एज वेल भगवान की सेवा में। और फुल टाइम में होता क्या है, पेरेंट्स को ये डर नहीं होता कि भाई अब बच्चा ये फुल टाइम हो गया ना, उनके होता है अब ये संबंध छोड़ देगा, अब इसके बाद हम इसको कभी देख नहीं पाएंगे और ये हमें नहीं देख पाएगा। ना ना, ऐसा नहीं है। हमारे जो ब्रह्मचारी ज्वाइन भी करते हैं, दे कैन गो एंड मीट देयर पेरेंट्स, दे कैन गो होम मीट देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स कैन कम टू द टेंपल, दे कैन मीट देयर चाइल्ड, तो दैट वेज इट इज खुला, तो आकर के मिल भी सकते हैं लाइक दैट। बाकी पेरेंट्स को पता लगा, बताओ कि भाई ऐसा नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, हो सकता भविष्य में मेरा मन करे तो शादी कर लूँ, तो शादी कर भी सकता है, नहीं किया तो दैट्स ऑल्सो फाइन लाइक दैट। तो इस तरह से पेरेंट्स को जो है ये डर दूर कर दें कि हम आपने बच्चों को खो दोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी, बच्चे कहीं नौकरी करता क्या करते हैं, माता पिता खो थोड़ी देते हैं बच्चों को। तो इस तरह से मंदिर ज्वाइन किया उसने, सेवा करता है भगवान की, माता पिता आए बच्चे से मिले, बच्चा है माता पिता से मिले, बल्कि माता पिता भी साथ में आकर के यहाँ सेवा करें, नाम जप करें, बहुत सी बात है। दूसरी एक और चीज़ पेरेंट्स को लगती है, हमारी नाक कट जाएगी सोसाइटी में फुल टाइम ज्वाइन कर गया। हमारा अभी तक जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि ना इज्जत बढ़ती है बल्कि माता पिता की, कि अच्छा आपका बच्चा इस्कॉन में सेवा करता है, क्योंकि इस्कॉन का ना ब्रांड बहुत ज़बरदस्त है मार्केट के अंदर। तो दैट फेस इवन दो समबड़ी रिसेंटली हैड अ वीडियो इंडिया TV में कि भी इस्कॉन ने जो है वहाँ फुल टाइम ज्वाइन करा दिया दिस दैट, लेकिन जो इंडिया TV वाला था ही सेड कि ना वी कांट मेक इट सो, मतलब आप बहुत जिस तरह से बात कर रहे हैं वी कांट से अगेंस्ट द सोसाइटी बिकॉज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद फिर आई ऑल्सो लॉन्च माई वीडियो कि किस तरह से पेरेंट्स के साथ मिलते भी हैं, पेरेंट्स खुश भी हैं, ऐसा नहीं है। सो दैन मैनी ऑफ द पेरेंट्स दे बिकेम हैप्पी, सो कई ब्रह्मचारी से दे सेंड दैट वीडियो टू देयर पेरेंट्स कि देखो यू नो वी कैन गो एंड मीट आवर पेरेंट्स, एंड सो इसलिए कैन मैनी पीपल दे बिकेम पॉजिटिव एज वेल अबाउट दैट आफ्टर दैट एपिसोड। तो अगेन आई वुड से कि जो पेरेंट्स हैं उनको ग्रेजुअली डिवोटी बनाइए, देन दे अप्रिशिएट क्योंकि हमारा बच्चा अच्छी जगह पर है, बीच में मिलते रहें उनसे सुख दुख में उनके साथ, दैट्स फाइन। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारी दो घर भी गया था, क्यों? क्योंकि घर का ना लिंटर डलना है, तो पिताजी ने कहा बेटा 2 महीने के लिए आ जा बस फिर चले जाना। तो घर गया, काठमांडू गया, वो वहाँ पर खड़े होकर के पिताजी के साथ उसने घर का लिंटर डलवा दिया। उसने पिताजी ने कहा बेटा बड़ा धन्यवाद बेटा तू आ गया, थैंक यू। फिर वो वापस भी आ गया, फिर वो उसने सेवा ज्वाइन कर ली एज अ ब्रह्मचारी। सो दैट वेज इस तरह से जब अवेलेबल रहते तो माता पिता खुश भी रहते, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा आता है जाता है मिलता रहता है, नो प्रॉब्लम। दूसरी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन केस यू आर ज्वाइनिंग टू ज्वाइन, इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू ज्वाइन फुल टाइम, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। इसमें थोड़ा समय लग सकता है बिकॉज पेरेंट्स को धीरे धीरे करके आप कन्विंस करें और फिर उनको आशीर्वाद देकर के देन यू कैन ज्वाइन, इट्स वेरी वंडरफुल थिंग। बार कोई अलकायदा फुल टाइम ज्वाइन कर सकता है क्या? हरे कृष्णा कोई फुल टाइम ज्वाइन ना करे, बिल्कुल ज्वाइन करे जी। अलकायदा बल्कि गंदे काम कर रहा है वो फुल टाइम ज्वाइन करके, कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कई लड़कियां नन बन जाती हैं, सैकड़ों लोग फादर बन जाते हैं, आपस में गड़बड़ियां भी करते रहते हैं, बात और है। पर सब जगह जब लोग फुल टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, वाई नॉट हरे कृष्णा फॉर गुड थिंग, फॉर स्प्रेडिंग द होली नेम, फॉर टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, वाई नॉट।
How a student in 12th standard perform association with right schedule. Early in the morning you get up, chant your rounds. It can be 4 rounds. That's it. बाकी समय आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई. 12th is very crucial. तो इसीलिए आप बस आधा घंटा चैंटिंग करिए, बाकी समय जो है आप अच्छे से पढ़ाई करिए. 12th इज़ वेरी क्रूशल इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छा आने चाहिए 12th क्लास में. सो दैट मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग यू चैन, रेस्ट ऑफ द डे यू स्टडी वेरी वेल. खेलना कूदना भी चाहिए थोड़ा बहुत. 12th में ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करनी है लेकिन खेलना कूदना नहीं है. हाफ एन आवर, 1 आवर फिजिकल एक्सरसाइज, डू दैट. दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू. ठीक है जी. Okay, what if our family members are in bad things, that what should we do, as we can neither leave them nor be in their association? Well, parents, they can do something which they like to do. Lekin hum log kya karenge? We may not get involved with them, but yes, we may not get involved with them, but yes, lekin wo dheere dheere karke inspire kar sakte hain ki wo un cheezon ko chhode. जैसे मान लीजिए अनियन गाले खाते नहीं, माता पिता बता सकते हैं क्या उसको खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो जो है हम लोग कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे करके इंस्पायर कर सकते हैं दैट दे कैन गिव अप ऑल दिस व्हाट इज रॉन्ग. तो इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है इसके अंदर, पर अल्टीमेटली यस इट बिकम्स पॉसिबल लाइक दैट. ऑफ कोर्स वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आर पेरेंट्स, हालांकि उनमें कोई गलत आदत हो सकती है. मान लीजिए किसी पिताजी को ड्रिंकिंग की आदत है, बट आई कांट हेट माई फादर बिकॉज ही ड्रिंक्स. आई कैन इंस्पायर माई फादर नॉट टू ड्रिंक. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने बर्थडे मांग लीजिए कि पापा कैन आई आस्क यू अ गिफ्ट, हाँ बेटा बताओ. ओके आपने ड्रिंकिंग हैबिट छोड़ दीजिए, कैन यू गिव मी दिस गिफ्ट. हर बर्थडे में यही मांगिए, तो पिताजी भी ना सोशल प्रेशर आया था भाई, अरे यार मेरा फैमिली प्रेशर आ गया है तो मतलब हर बार गिफ्ट यही मांगता है. तो पापा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे बर्थडे पे गिफ्ट, आई ओनली वॉन्ट दैट यू गिव अप दिस ड्रिंकिंग हैबिट. तो इस तरह से प्यार से ग्रेजुअली वी कैन पुश देम टू गिव अप द रॉन्ग थिंग्स इन देयर लाइफ, दिस वे एंड ग्रेजुअली दे विल चेंज. ओके ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी. पेरेंट्स कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो फिर करना भक्ति, तो उनको कैसे समझाएं जबकि पापा खुद ही पंडित हैं? ओके तो जैसे मैंने पहले बताया कि ना आप सुबह सुबह उठकर चैंटिंग करिए, बाकी समय आप पढ़ाई करिए. पर हर समय अगर आप माला लेकर घूमते रहोगे ना घर में हरे कृष्णा करते रहो, तो पेरेंट्स लगे भाई तो मैं तो माला पकड़ ले किताब को खोले गए. सो गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गेट सुबह रात को टाइम से सोइए, सुबह जल्दी उठिए एंड चैंट योर राउंड्स. आधा घंटा आपने चैंटिंग की, भगवान से प्रार्थना की, आपने 5-10 मिनट्स भगवद्गीता पढ़ी एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम यू स्टडी वेरी वेल लाइक दैट. तो इस तरह से पेरेंट्स जो हैं दे वुड ऑल्सो सपोर्ट यू लाइक दैट. ओके पापा खुश होंगे, आप वो पंडित जी हैं, चलो मेरा बेटा भी सुबह सुबह तो पंडितगिरी करता है, बाकी समय जो है फिर ही इज़ देयर एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज स्टडीज एज वेल. ओके हरे कृष्ण प्रभु जी. वाई पीपल आउट there are creating association which teach different definition of spirituality, whereas definition of spirituality is one identity and one connection with super soul. Aisa hai kuch log, no doubt there are people because they themselves are not being guided. Some people they have this idea while on their own ki maan lo ki wo kisi pahadi pe baithe hue the, pahadi pe baithe baithe unko phir koi revelation ho gaya and then they start spreading that message. Koi bhi revelation, koi bhi agar हमें डिवाइन नॉलेज अगर प्राप्त होती है, इट मस्ट मैच विद द स्क्रिप्चर्स, द होली स्क्रिप्चर्स. इफ इट इज नॉट मैचिंग विद द होली स्क्रिप्चर्स, इट्स अ मेंटल कॉन्कॉक्शन, दैट्स इट. मे बी सम काइंड ऑफ बैड ओमन और सम काइंड ऑफ ओमन हैज डिलीवर्ड इट, बट नॉट रियली इट्स अ डिवाइन नॉलेज. सो डिवाइन नॉलेज मीन्स दैट विच इज कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड एज पर हिज वर्ड्स, द स्क्रिप्चर्स, दे शुड बी मैचिंग विद द स्क्रिप्चर्स. तो ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे आइडिया फैला रहे हैं. कुछ लोग गुफा के अंदर बैठे थे, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कोई 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 किसी पहाड़ी पर बैठा था उसको वहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता वैसे. और अगर ज्ञान प्राप्त होगा भी, अगर वाकई में ज्ञान है, तो ऐसा जो ज्ञान होगा इट मस्ट मैच द वर्ड्स ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स. ओके अगर आपके घर वाले ही नेगेटिव भरे हों, तो आप ना चाह कर के भी कुछ बुरे कर देते हैं, इसे कैसे अवॉइड करें सकते हैं जबकि आपको रहना है उनके साथ ही? प्लीज़ असिस्ट. यह आपको थोड़ा स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा. आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे तो धीरे धीरे घर के पेरेंट्स जो हैं दे विल ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस बाय योर एसोसिएशन. हमने देखा है कहीं ऐसे घरों में जहाँ जवान लड़का था, ही टुक टू भक्ति बट ही वॉज वेरी पेशेंट विद द पेरेंट्स. तो पेरेंट्स की धीरे धीरे करके बुरी आदतें खत्म हुई. जैसे पेरेंट्स को तो पहले अंडा खाना बड़ा पसंद था, धीरे धीरे करके उनका अंडा खाना जो है वो बंद हो गया. पिताजी स्मोकिंग किया करते थे, पिताजी की स्मोकिंग चली गई धीरे धीरे करके, पर इसमें थोड़ा समय लगा.
तो इस तरह से पेशेंस रखनी पड़ती है, साथ में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है उसको बनाना पड़ता है. सो दैट विद दैट यू कैन डू बाय स्लीपिंग अर्ली एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इवन बिफोर योर पेरेंट्स आर अप. उनसे पहले उठ जाइए, नहा धो करके नाम जप करिए आराम से, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए. एंड देन रेस्ट ऑफ द डे यू नो यू वुड नॉट बी गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज यू हैव द आर्मर ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. ठीक है जी. ओके सर, भक्तों के एसोसिएशन में आने के लिए उनके साथ किस तरह से बात करना स्टार्ट करें और क्या क्या पूछें? बस ये जो सवाल है ना, बस ये सवाल पूछना है भक्तों से. ये वाले सवाल आप पूछेंगे भक्तों से, बस दिस हाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डिवोटीज. ओके आगे बढ़ते हैं जी. हरे कृष्ण बाबू जी, व्हाट इज द वे टू choose that true devotee with whom we can share our heart. देखिए ऐसा डिवोटी होना चाहिए जो कि स्पिरिचुअलिटी को, भक्ति को लेने के लेकर के बहुत सीरियस हो, जिसके पास नॉलेज भी हो, जिसके पास मैच्योरिटी हो कि आपकी नॉलेज को आपके जो व्हाट यू आर शेयरिंग वो अपने तक ही रेस्ट्रिक्ट रखे, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें. और ऐसा डिवोटी जो किसी की निंदा करने की प्रवृत्ति से रहित हो, पता लगा आपने किसी को उसको अपना दुखड़ा सुनाया, उसने भी आप सुना दिया निंदा विंदा, आपको भी सुना दिया अल्लाह, यानी अभी कच्चा पक्का भक्त है वो. सो दैट मीन्स उसमें मेच्योरिटी भी होनी चाहिए, वो किसी की निंदा ना करता हो स्पिरिचुअली, वो ही शुड बी वेरी सीरियस इन टर्म्स ऑफ हिज साधना, नॉलेज हो उसके पास ताकि वो एम्पथाइज कर सके एंड कैन गिव अ राइट काइंड ऑफ नॉलेज. तो ऐसे व्यक्ति से हम अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं. ओके व्हाट शुड वन डिसाइड टू बी अ मंक? ओके सो मंक बनने के लिए आप कोर्स एक तो देखना चाहिए कि ना आप कितने सीरियस हैं. कई बार लोग मंक बनने की कोशिश करते हैं लेकिन होता क्या, दे आर जस्ट एस्केपिंग द ट्रिबुलेशन इन लाइफ, कि भाई स्यापा मुकेगा जी, मंक बन जाएंगे फिर एक आराम की जिंदगी होगी, हम सोएंगे खाएंगे पिएंगे जी, कोई नौकरी वोकरी नहीं रहेगी और कोई जिम्मेदारी नहीं. इस भाव से अगर कोई है तो मंक ना ही बने, ऐसे व्यक्ति को बाहर नौकरी कर लेनी चाहिए. लेकिन हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, भक्ति को लेकर के बहुत सीरियस है, तो ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी यानी एक मंक बनने के लिए दैट पर्सन कैन एस्पायर. साथ ही उसको देखना चाहिए हाउ मच इज ही इंक्लाइन टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर. अगर किसी लड़के को लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ा अट्रैक्शन तो देखो सभी के अंदर है इस संसार के अंदर, लेकिन वो अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है कि उसकी आंखें चिपक ही जाती हैं एकदम लड़की को देख करके, तो भाई तू मंक मत ही बन, तू मंकी बन जाएगा, नहीं तो इससे बेटर है शादी कर ले, घर बसा ले. और समबडी इज़ वेरी वेरी एम्बिशियस, उसको दुनिया में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ने हैं उसको, ऐसा व्यक्ति भी मंक नहीं बन पाता बिकॉज उस झंडे गाड़ने ना, मंक बनना मतलब एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही सिंपल लाइफ में आना जहाँ उस हमें दुनिया में कोई ना जाने. जैसे कुछ मंक हैं जैसे मैं हो गया, गौर प्रभु हो गए, जो हमें लोग जानते भी हैं, पर ज़्यादातर मंक जो हैं उनको कोई नहीं जानता, वेरी वेरी फ्यू. वो अपना लो प्रोफाइल में रहते हैं, थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, दिस इज़ लो प्रोफाइल. सो अगर आपको जो ऐसी सिंपल लाइफ बहुत पसंद है, देन सरल जीवन के लिए अत्युत्तम मंक लाइफ इज़ फैंटास्टिक, जन्नत है ये, इतनी अच्छी है मंक लाइफ, पर सरल व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है. या जिसकी एटलीस्ट सरल बनने की इच्छा हो, सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन उसकी सरल बनने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो है मंक लाइफ बहुत अच्छी है, लाइक दैट. पर अल्टीमेटली यस, वन शुड सी कि उसकी स्पिरिचुअलिटी, भक्ति को लेकर कितनी सीरियसनेस है. सो दैट पर्सन कैन एस्पायर फॉर मंक लाइफ. प्रभु जी, मैं एक BSc स्टूडेंट हूँ और मैं वेदास पढ़ना चाहता हूँ, मेरे दीक्षा अभी तक नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे टाउन में इस्कॉन टेम्पल भी नहीं है, उनकोटी डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा. ओके अगर आप BSc कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पहले अपने BSc जो है अपनी अच्छे से पूरी कर लीजिए. और क्या वेदास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? रीज़न बीइंग, वेदा हमारी उपनिषद, हमारे शास्त्र कैसे हैं, वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, ठीक है, पुराण हैं, लाइक दैट. एंड देन वी हैव इतिहास, लाइक दैट. जो वेदास हैं दे डील विद कर्मकांड सेक्शन, एंड कर्मकांड इज नॉट वेरी एग्जॉल्टेड सेक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपनिषदों में आता है, जहाँ पर कि देर इज डिस्कशन अबाउट ब्रह्मन और से निराकार के बारे में चर्चा आती है, और इससे एडवांस नॉलेज मिलती है फिर पुराणों के अंदर मिलती है, जहाँ भगवान के अवतारों की चर्चा आती है. पुराणों में जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है वो है श्रीमद भागवतम, विच इज़ द फाइनल रेवलेशन बाय वेदव्यास जी. सारे शास्त्रों को लिखने वाले कौन? वेदव्यास जी. एंड ही हिमसेल्फ वॉज वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर कंपोजिंग श्रीमद भागवतम. भागवतम लिखने से पहले ही हिमसेल्फ वॉज नॉट सेटिस्फाइड. सोचिए, जो वेद उपनिषद पुराण लिखने के बाद जो डिससेटिस्फाइड है, जो खुद लिखने वाला है वेदव्यास जी, तो भला उसको पढ़ करके हम भला कैसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे? तो अगर हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, आनंद चाहिए, देन वी शुड स्टडी श्रीमद भागवतम, विच इज़ द लास्ट एंड फाइनल रेवल्यूशन बाय
कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, तो इसलिए वो पढ़िए। और आप ऑर्डर कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम इट इज अवेलेबल इन इस्कॉन, और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये आप पढ़ना शुरू करिए और विश्वास मानिए भागवतम पढ़ने के बाद आप ऐसे निहाल हो जाएंगे कि यार क्या पढ़ लिया मैंने, वाओ वाओ अद्भुत है श्रीमद् भागवतम। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेटेड एंड परपोर्टेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद। भागवतम ऐसे गीता प्रेस का भी आता है लेकिन उसमें तात्पर्य वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो मत पढ़िएगा। पढ़िएगा तो प्रभुपाद जी का पढ़िएगा, थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, इट इज इन 18 वॉल्यूम्स, धीरे धीरे करके आपके हो जाएंगे सारे। लेकिन भागवतम पढ़ने के बाद ना यू बी लाइक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, दैट्स ऑसम श्रीमद् भागवतम। ओके ओके, व्हेन श्रील प्रभुपाद एसोसिएशन विद द हिप्पीज एंड व्हाई ही वाज नॉट अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन ऑफ हिप्पीज, बिकॉज ही वाज गिविंग एसोसिएशन, ही वाज नॉट टेकिंग एसोसिएशन। ओके, as their numbers were very high, but instead Srila Prabhupada ji affected the hippies with his divine association. ये भले में कोई नंबर में ज़्यादा उससे भर नहीं पड़ता, जैसे कोई कबड्डी कबड्डी खेलने के लिए आए, भले ही यहाँ पर 100 लोग हों लेकिन कबड्डी कबड्डी खेलने के लिए आया खली, देखा WWF का खली ह्यूज कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वो 100 लोग क्या करें खली के ऊपर चढ़ जाएँ तो खली क्या करेगा, इनको पकड़ करके अपने पाले वापस लाया, कबड्डी कबड्डी ओ ले जी पूरी टीम ही आउट, वन शॉट खली एक ये 100, खली इतना बड़ा है ना कुछ नहीं है लोगों की औकात भाई, क्या खली को आउट करेंगे। इस तरह से हिप्पीज भले ही सैकड़ों थे लेकिन प्रभुपाद जी जो है ना वाला खली ऑफ फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्ट्रेचर में तो सिर्फ 5'2" की हाइट थी बट स्पिरिचुअली ही वॉज सो एग्जॉल्टेड एंड ही कबड्डी कबड्डी करते करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, सबको छू छा करके सबको वापस अपने भक्ति के पाले में ले आए, दैट इज श्रील प्रभुपाद। सो ही वॉज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ही वॉज सो पावरफुल spiritually, was very very powerful. Okay, Hare Krishna Prabhuji, please explain the point revealing one's mind in confidence of getting association of devotees. Revealing one's mind in confidence ka matlab ye hai, that means some of the confessions, some of the weaknesses, some of the challenges is what we should share with the devotee. Okay, and seek Krishna conscious help from that devotee, that's the meaning of revealing one's mind in confidence to such a person who is mature, knowledgeable, intelligent, who maintains confidentiality and who himself is a very good devotee in bhakti. Okay, so aise vyakti ke sath hum apne hriday ko share kar sakte hain. Okay, a devotee is the best and supreme individual to be associated with for acquiring supreme knowledge of spirituality. If someone does not come across such an individual of perfection for part of full or his lifetime, then what should he do? Meanwhile, one can take this online association and study Shastra. At the same time, pray to Krishna, O Krishna, please reveal to me a nice devotee, a Krishna conscious devotee. Please, please, O Krishna, and Krishna does help. Aap bhagwan kab karenge, kaise karenge, ye bhagwan ke upar hai. So till that time, you can have online association of so many great devotees, jinke online lectures are available hain. We can learn so much from them. Ashish Shri Prabhupada ji, kitne lectures available hain. One can listen to them. One can listen to Gaurang Prabhu from ISKCON. And Amarendra Prabhu, who is also a fabulous Katha speaker from ISKCON, Bhakti Chaitanya Maharaj, Radhanath Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, Bhakti Charu Maharaj, so many devotees are there online, so we can take their association like that. So, this way, we can be helped. Hare Krishna Prabhuji, agar schools ki itni buri halat hai, to ISKCON Delhi kuch bada plan kyun nahi kar raha? Modi ji ko convenience. कन्विंस करने के लिए फॉर वैदिक स्कूल्स, व्हाई ओनली स्मॉल स्पिरिचुअल बुक्स आर गिवन टू योगी आदित्यनाथ जी फॉर स्कूल्स, सरकार भी सपोर्टिव है फॉर वैदिक कल्चर, सो व्हाई ISKCON Delhi इज नॉट प्लानिंग समथिंग बिग, एज यू सेड इम्पॉसिबल कैन बी अचीव्ड बाय डिवोटी एसोसिएशन एंड बाय ब्लेसिंग ऑफ डिवोटीज। एक्चुअली क्या है, पूरा सिलेबस चेंज करना है समथिंग वेरी वेरी बिग, लेकिन ना जो हमने जो बुक्स इंट्रोड्यूस की थी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक की थी, जिसमें कि ना बच्चा जो होते हैं दे आर नॉन जजमेंटल और बच्चे ना बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं, तो इसीलिए उस उम्र में हमने ये मोरालिटी सेंस ऑफ मोरालिटी की जो बुक्स हैं वो हमने इंट्रोड्यूस की, तो वो हमने इंट्रोड्यूस की थी एंड होपफुली वो अब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, देखिए कब तक वो इसको लगा पाते हैं, पर लेकिन यह है कि कम से कम वी आर स्टार्टिंग विद द मॉरल एजुकेशन, ठीक है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी माने तो पूरे स्कूल पूरे यूपी के सारे स्कूल्स में वो बुक लग जाएगी and that's based on Bhagavad Gita, so that would be very nice. और साथ में उसमें बाकी धर्मों की stories भी हैं, so it's a very secular book, बहुत अच्छा रहेगा। पर opening a Vedic school में क्या होगा कि then we can cater to say 2000 or 3000 students, that's it, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पर ये जो books जो हैं they can actually go to more number of
मासिस। तो अभी अजीत गोविंद पोह की जो बुक्स हैं वो करीब 15,000 बच्चे से पढ़ रहे हैं, इन अलग जो कई अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कुछ कुछ राजकीय विद्यालय हैं, तो ऐसे जो विद्यालयों में, तो इस तरह करीब 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक स्कूल अगर खोल देते हैं तो उसमें सिर्फ 3,000 बच्चे ही पढ़ पाएंगे, यू नो, वेद स्कूल। सो बट वी हैव वेद स्कूल्स लाइक वी हैव गुरुकुल इन वृंदावन, जो कि सेमी गुरुकुल है, जिसमें कि वैदिक एजुकेशन भी है प्लस करियर एजुकेशन भी है, हार्ड कोर वैदिक एजुकेशन भी है, दैट इज देयर इन मायापुर धाम, वहाँ गुरुकुल है हमारा, सो दैट इज ऑल्सो देयर। बाकी है कि जैसे जैसे ज़मीन मिलेगी, अब ज़मीन मिलना है, उसके बाद फिर कोई डिवोटी इस प्रोजेक्ट को ले, फिर टीचर्स को जो खुद भी डिवोटी हों, ऐसे टीचर्स भी चाहिए होंगी, सो दैट वेज क्या है, फिर वो अपने आप में बहुत ही हरक्यूलन टास्क है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि पहला फोकस करना है हमें पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स डिवोटी बन जाएंगे तो बच्चे अपने आप धीरे धीरे करके डिवोटी बन जाएंगे, लाइक दैट। तो इसलिए वी आर फोकसिंग मोर ऑन द पेरेंट्स देन ऑन द स्कूल्स, क्योंकि पेरेंट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों के ऊपर, और जो टीचर्स भी हैं कहीं ना कहीं वो भी गृहस्थी हैं, तो टीचर्स को डिवोटी बना देंगे अगर धीरे धीरे करके, और पेरेंट्स डिवोटी बन जाएंगे तो बच्चों का अपने आप भविष्य जो है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। सो दैट वेज फ्रॉम दैट एंगल वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग big schools and getting certification from the government and all that, what a complex procedures hain. Hare Krishna Prabhu ji, Prabhu ji, yadi kisi insaan ki job hi media department mein, to phir usko kaise balance karein? No doubt media department can be related of in terms of, agar bahut transferable jobs hain, ek to wo rehta hai, saath hi media is very glamorous world, to us glamour ko sambhalna, that is also there. और मीडिया डिपार्टमेंट क्या है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी रहती ही रहती है, कुछ चीज़ों को छुपाना है, कुछ चीज़ों को दिखाना है, पर मीडिया में रह करके व्हेन वी आर टू डू समथिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, तो फिर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी फिर वो करना पड़ता है, बिकॉज ये मीडिया डिपार्टमेंट ही तो है ही, कुछ ऐसा ही क्या कर सकते हैं, पर ऑफकोर्स उसमें वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज वन्स इंटेग्रिटी, बट येस टू सम एक्सटेंड ऑफकोर्स वी आर टू एक्सटेंड आर सेल्स टू मीट द नीड ऑफ दैट प्रोफाइल, करना पड़ता है, अदरवाइज वी वुड बी लाइक एब्सोल्युटली डिवोर्स्ड फ्रॉम फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ओके, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके। हरे कृष्णा भाई, जब भी मैं भगवद्गीता या धार्मिक ग्रंथों की बात करता हूँ अपने फैमिली फ्रेंड्स में, तो वो सब मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि ये सब बुढ़ापे का काम है, ओके, तो ये लड़का पागल हो गया है, इसको डॉक्टर को दिखाओ, अभी मीट एग खाने की आगे है, इसे छोड़ दिया, मेरी दादी कहती है कि लड़का दुखदाई बनेगा अपने माँ बाप के लिए, इसको हरिद्वार भेजो, वहीं चिमटा चिमटा भजेगा ये। अच्छा, सब मुझसे पागल मुझे पागल पागल कहते हैं प्रभु जी, तो मैं क्या करूँ? देखिए, एक्सप्लेनेशन इज़ द बेस्ट आर्गूमेंट, एक्सप्लेनेशन इज़ द बेस्ट आर्गूमेंट, तो इसलिए सबसे बेस्ट आर्गूमेंट क्या रहता है? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेन करिए, सर ये बोली कि आप गीता भागवत पढ़िए, ना ना, गीता पढ़ करके बेनिफिट क्या होगा ये बताइए, ओके, मीट छोड़ करके बेनिफिट क्या होगा ये बताइए, सर ये बोलना कि ना मीट छोड़ दो जी, इससे बात नहीं बनती, हमें उनको ये बताना पड़ेगा जी मीट छोड़ना है, लेकिन मीट क्यों छोड़ना है ये बताइए, कि मीट खाने से जो है जरा रिपोर्ट्स दिखाइए कि देखिए ये रिपोर्ट है, ये इंडियन, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया हुआ है कि जो लोग मीट खाते हैं they are more prone to getting guts cancer, जो अंदर जो intestine cancer है वो हो सकता है उनको, stomach cancer होता है, piles की गंदी बीमारी होती है मीट खाने वालों को, ये मैं नहीं बता रही, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वो बता रही है, भाई आप क्या कर रहे हो, आप मुझे पागल बोल रहे हो, ये लोग क्या, ये अमेरिका में क्या लोग पागल बैठे हुए हैं, ये इस तरह करके वी शुड एक्चुअली गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, तो सर ये बोलो आप गीता पढ़ो, आप भागवत पढ़ो, तो लोग बोलेंगे तो पागल हो गया जी। अच्छा, जिनको गुरुजी मानते हैं ना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर के आओ। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने क्या बोला हुआ है जी, उन्होंने तो ये बोला हुआ जी, मीट खाने से अंडे खाने से जी ये होता है, ओ ये चीज़ें जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब अंडा जो है, हमको पता है कि अंडा जो है पोल्ट्री फार्म से क्या हाल होता है, दिखाइए पोल्ट्री फार्म का वीडियो दिखाइए, कहते देखो ये पोल्ट्री फार्म जिस तरह से जानवरों को ये रखा जा रहा है, अब उनके अंडे खा के आपको दुआएं मिलेंगी, बस दुआएं मिलेंगी, आप किससे पूछो जी बताओ, अगर आप बोलते दुआएं मिलेंगे तो फिर आप खुद ही बता दो पागल कौन है, पागल कौन है। तो ऐसा नहीं कि जो अंडे खाने नहीं खाने वाले लोग हैं फिर वो जो है फिर चिमटा ही बजा रहे होते हैं हरिद्वार में, ऐसा नहीं है, कई लोग शहर में रहने वाले लोग हैं वो भी अंडा नहीं खाते, अक्षय कुमार है इज अ फिल्म स्टार, अंडा नहीं खाता, ऋतिक रोशन है वो भी नहीं खाता क्योंकि वो कृष्ण भक्त है, सो दे टेक प्रोटीन्स बट थ्रू जैसे मिल्क प्रोटीन्स हैं उसके उनके थ्रू लेंगे, कुछ नेचुरल प्रोटीन्स आते हैं वो लेते हैं, लेकिन नहीं खाते अंडा नहीं खाते, फिर वो चिमटा पकड़ लिया बॉलीवुड में, नहीं ऐसा नहीं है,
उस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अंडा नहीं खाते, फिर क्या वो चिमटा पकड़ लिया वो? सो दैट वेज, ये तो कहने की बात होती है, सो दैट वेज वी शुड गिव ऑल लॉजिकल रीजंस, और इसका आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट आर्गूमेंट, बजाय कहना मैं पागल नहीं हूँ। हाँ पागल हो, हाँ मैं कैसे पागल हूँ, मैं तो भक्त हूँ। ऐसे थोड़ी फर्क, ऐसे नहीं होता सर, बताना पड़ता है, वी आर टू कन्विंस देम बाई लॉजिकल रीजंस, ठीक है जी। ओके, अगला सवाल है, एक माँ अपने टीनेज बच्चों को अपने पिता की बैड एसोसिएशन से कैसे बचाए? ओके, एक माँ अपने टीनेज बच्चों को अपने पिता की बैड एसोसिएशन से कैसे बचाए? ओके, लड़की होती तो ठीक थी, बट लड़का पिता को फॉलो करता है, मैं भू लड़के को सीख देती, बट रॉन्ग थिंग्स आर मोर अट्रैक्टिव देन गुड वंस। ओके, सो एक माँ अपने टीनेज बच्चों को अपने पिता से किया, वेल देखिए पिताजी तो ज़्यादातर भारी काम कर रहे होते हैं, शाम को आते हैं घर में, तो तब जो है थोड़ा सा उनसे इज्जत से, थोड़ा सम्मान से बात करना होता है, दैट्स इट। बाकी है कि माँ जितना इनपुट देगी बच्चों को इन टर्म्स ऑफ मॉरल एजुकेशन, स्टोरीज, पर्सनल एग्जाम्पल, केयर, प्रसादम, नाइस फूड एंड ऑल दैट, तो फिर निश्चित रूप से पिताजी जब आएंगे भी, देन दे मे हैव सम रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज विद द फादर। और पिताजी यूजली हमने देखा है शाम को जो लोग घरों में आते हुए पिताजी आते हैं, टी वी भी देखते हैं, बच्चों और क्या चल रहा है, उम्र वगैरह कर ले तुमने, दिस दैट, पेपर चल रहे हैं, दिस, थोड़ा ऐसे थोड़ी ऑप्शन मारते हैं, उसका टी वी देखे सो जाते हैं, दैट्स इट। तो दैट फेज पिताजी अगर मान लीजिए बुरी संगति में है, तो फिर देन वी कैन ऑलवेज इंस्पायर द स्टूडेंट, द चिल्ड्रन टू बी स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग, और वो माँ कर सकती है बिकॉज मदर कैन गिव टाइम। अगर मदर भी वर्किंग है फिर बेचारी कैसे टाइम देगी? तो बच्चों को समय देने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा जी, थोड़ा एम्बिशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, देन वी कैन एक्चुअली हेल्प चिल्ड्रन ग्रो। हाउ कैन वी इम्प्रूव पीपल इन आवर ओन फैमिली हु आर बींग इन अ बैड एसोसिएशन? हाउ टू प्रिवेंट आवर सेल्व फ्रॉम बींग लव्ड बाई पीपल? ओके, देखिए लोग हमसे प्यार करें उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, इफ समबडी इज लविंग अस दैट मीन्स दिस पर्सन इज अटैच टू अस एंड वी आर अटैच टू कृष्णा, इन दिस वे वी कैन अटैच देम टू कृष्णा, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। हाउ कैन वी इम्प्रूव पीपल इन आवर ओन फैमिली हु आर बींग इन बैड एसोसिएशन? इंट्रोड्यूस गुड एसोसिएशन टू दैम एंड यू योर सेल्फ बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नॉट टू गेट अफेक्टेड बाई दैम। तो इस तरह से वी कैन ऑल्सो हेल्प दैम बिकम स्पिरिचुअली ग्रोन अप। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी इफ इन आवर फैमिली समबडी इज डूइंग बैड टू अस अगेन एंड अगेन, वट शुड वी डू देन? देखिए बैड क्या है ये देखना पड़ेगा। इफ समबडी इज सेक्शुअली हैरेसिंग, तब तो क्या है जी, पब्लिक बता देनी चाहिए, तो पिताजी को मतलब पब्लिक मतलब ऐसे नहीं गली में, और घर परिवार में देखिए दिस पर्सन इज हैरेसिंग मी सेक्शुअली, क्योंकि इसको प्राइवेट रखेंगे तो उसको लगेगा, वो लगता है इसको अच्छा अच्छा लगता है, हाँ, सो बता देना चाहिए, देखिए आई डोंट लाइक दिस पर्सन एसोसिएशन बिकॉज ये मुझे हाँ वहाँ छूते वगैरह ये मुझे पसंद नहीं है, साफ साफ बोलो जी। कब छुआ जी, सबूत इकट्ठा कर दो, कुछ ना रिकॉर्डिंग मशीन वगैरह अपनी जेब में रख लो, ले जाओ, हाँ मुझे क्यों छूते हैं, क्या हो गया, एक आध बार छू दिया क्या हो गया, हैं अरे इतनी सोनी है तू, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, कहते हाँ मत छुआ करो ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कह रहे क्या हो गया, अरे तेरे माँ बाप है नहीं क्या हो गया, अरे इतनी प्यारी सी है तू, ये सब रिकॉर्ड चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग लेकर के दिखा दो, ये देखो जी आइए सुनाते हैं आपको भाई साहब के कारनामे, सबूत के साथ जाइए, पब्लिक करिए इस बात को, एक्सपोज करिए ऐसे आदमी को। सो दैट फेस अगर कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है तो, लेकिन बुरा काम क्या कर रहा है वो, मतलब डांट वाट लगा रहा है या सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, अगर यह थोड़ा गंदे तरीके से बात कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति से हम सोशली थोड़ा इन्वॉल्व नहीं कर होते, और बाकी उसको कोशिश करते हैं, भाई देखो इफ यू कैन बिकम अ डिवोटी वेरी नाइस, इफ यू कांट ओके ऑलराइट बाय बाय, आई गॉट समथिंग एल्स टू डू, डोंट वेस्ट टाइम, मूव ऑन लाइक दैट। सो इट डिपेंड्स, अगर कोई बुरा कर रहा है तो भला वो बुरा क्या कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन टेक रिलेवेंट एक्शन। अमोघ लीला, प्रभु जी आप खुद कैसे पहली बार डिवोटी के साथ एसोसिएटेड हुए थे और कैसे डिवोटी बने, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें प्लीज़। ये मेरी स्टोरी बहुत लंबी है तो इसलिए ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, पर मोटा मोटा सबसे पहले मैं प्रभुपाद जी की बुक्स के संपर्क में आया था, मुझे प्रभुपाद जी की भगवदगीता मिली थी, उससे पहले मैं सात आठ तरह की भगवदगीता पढ़ चुका था, डॉक्टर राधाकृष्ण की, महात्मा गांधी की, शंकराचार्य जी की, मैंने कई सारी भगवदगीता पढ़ी थी, पर सबसे ज़्यादा अपीलिंग थी जो प्रेजेंटेशन वो श्री प्रभुपाद जी की थी। सो दैट मीन्स फिर मैं घर से निकला था प्रभुपाद जी को अपना गुरु बनाने के लिए एक्चुअली,
फिर मुझे पता लगा ओके श्रील प्रभुपाद जी तो जा चुके 1977 के अंदर। ओह आई वॉज वेरी सैड। फिर मैं भक्तों के संग में आया, फिर मैं टच में आते थे, फिर मैं डिवोटी बना बना डिवोटी सवाल जवाब किया करता था, मैं पढ़ा करता था, सवाल जवाब करता था, पढ़ता था, सवाल जवाब करता था। इन दिस वे मेरे सारे डाउट्स सब क्लियर हुए, तो मुझे पता लगे भाई दिस इज द प्लेस एंड दिस वे बाई डिवोटीज एसोसिएशन श्री प्रभुपाद बुक्स आई गॉट इन टू भक्ति फुल ऑन। सो दिस हाउ एसोसिएशन हेल्प मी। ओके प्रभु जी हरे कृष्णा। इफ आवर फैमिली इज डूइंग ओके दिस आई थिंक वी आर डन। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि हम जानते हैं आजकल टीवी पर रामायण महाभारत सीरियल चल रहा है, तो वो देखने से स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है या उसमें कुछ कहाँ सही होता है और कुछ फिक्शन होता है, इस पर प्रकाश डालें प्रभु जी। देखिए वो रामानंद सागर की पहली वाली रामायण और B.R. चोपड़ा की पहली वाली महाभारत, दे आर वेरी गुड। इसके बाद ज़्यादातर कमर्शलाइज वर्जन ही है। एकता कपूर का तो खैर महाभारत बिल्कुल मत देखना, भगवान से विश्वास उड़ जाएगा आपका, इतनी वाहियात प्रेजेंटेशन है वो। तो प्लीज़ डू नॉट सी एनी टीवी सीरियल मेड बाय एकता कपूर। ओके लेकिन हाँ जो पहली सबसे ओरिजिनल रामायण और पहली जो महाभारत बनी थी वो आप निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। अगर आपको अदरवाइज पढ़ना चाहे पढ़ भी सकते हैं, हमारे यहाँ पर महाभारत रामायण दोनों ही अवेलेबल है। नहीं तो ये ओरिजिनल वर्जन जो है दे आर फाइन, दे आर नॉट कमर्शलाइज्ड, दे आर सिंसियर प्रेजेंटेशन ऑन महाभारत रामायण, वो आप देख सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ओके हरे कृष्णा। इफ एनीवन हैज बैड हैबिट्स एंड वेदर वी शुड लीव हिज एसोसिएशन और बींग इन द एसोसिएशन वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड बाई हिज हैबिट, हाउ टू ब्रिंग आवर पेरेंट्स इन टू भक्ति। वेल दोनों हम एड्रेस कर चुके हैं। वी शुड फर्स्टली ट्राई टू गिव आवर एसोसिएशन टू दैट पर्सन, और पेरेंट्स को लेकर के वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन, तो आई विल नॉट रिपीट द होल थिंग। ओके इफ वी आर नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द डिवोटी देन हाउ कैन वी डू सच एसोसिएशन। वेल कौन रोक रहा है वैसे तो आपको, अगर घर के आसपास मंदिर है फिर तो जाइए एसोसिएशन लीजिए, अगर नहीं है देन ऑनलाइन संगा इज देयर, ठीक है, रीडिंग श्री प्रभुपाद बुक्स दैट इज देयर। सो इस तरह से कर सकते हैं अगर वाकई में आसपास मंदिर नहीं है। आसपास मंदिर है विद इन हाफ एन आवर एक घंटे में अगर आप पहुंच सकते हैं आइए, वंस इन अ वीक कौन रोकने, कोई जंजीरों से कोई बांधने वाला थोड़ी ना है। कभी कभी बंधन ना सिर्फ मन में होते हैं, लोग क्या बोलेंगे, वो लोग बुरा मान जाएंगे, अरे सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, इतना दुनिया के बारे में सोचेंगे भाई तो कहाँ से स्पिरिचुअलिटी या भक्ति कर पाएंगे हम। तो इसीलिए जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की तो छुप छुप आए भरना क्या, चलो जी डिवोटी एसोसिएशन में और क्या, नहीं तो सो दैट वेज मूव ऑन। दुनिया वाले कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा मानते ही रहेंगे जी, नहीं जाओगे तो कहेंगे हाँ बड़ा भगत बनता था, पढ़ा है घर में, घर से निकला होगा, निकल गया तू, घर से निकल गया तू, है मंदिर चला गया तू बिना पूछे, तू बुरा मानेंगे, तो दुनिया वाले तो बुरा मानते ही रहेंगे। सो दैट वेज मूव ऑन, स्माइल करो हाँ जी हरे कृष्णा क्या करें ऐसे ही ये करके आगे बढ़ जाओ बस खत्म। सो दिल पे मत ले यार, जस्ट थिंक ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके लक्ष्य रिच डैड पुअर डैड। ओके सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस तरह की बुक पढ़ना गलत है, कृपया मार्गदर्शन करें। ओके वेल सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये तो खैर अच्छी किताब है, दिस विल हेल्प यू। बाकी लक्ष्य ये अगर आप मूवी की बात कर रहे हैं या कोई बुक की बात कर रहे हैं आई डोंट नो यू नो इनका कॉन्टेंट क्या है, रिच डैड पुअर डैड, बट यस आई कैन नॉट वाउच फॉर द फर्स्ट टू, पर हाँ सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये आप पढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग आवर लाइफ एंड सम मैनेजरियल स्किल्स, सो इट्स अ गुड बुक, वो पढ़ सकते हैं आप। लेकिन हाँ वन शुड नॉट बिकम ओवर एम्बिशियस आफ्टर रीडिंग सच बुक्स, अक्सर ऐसी बुक्स होती हैं लक्ष्य, अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात जो है षड्यंत्र रचेगी आपको उसे मिलाने के लिए। तो लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य क्लियर कैसे रखें, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ओके यू मे रीड दैट बुक फॉर अ टाइम बीइंग, बट दे कैन नॉट बिकम बाइबल ऑफ योर लाइफ और भगवद्गीता ऑफ योर लाइफ। ये जो भगवद्गीता है दैट विल रिमेन एज द मार्गदर्शिका फॉर द लाइफ, पर अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ हेल्प हो सकती है तो ठीक है एक दो किताब आप पढ़ के देख सकते हैं। बट यस आई कैन वाउच फॉर सर्टनली सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दिस इज नाइस बुक नो डाउट। ओके अच्छी संगति का मिलना क्या डेस्टिनी नहीं है? वेल है भी और नहीं भी है। अगर किसी ने भक्ति पहले से की हुई है पिछले जन्म में तो अब उसकी डेस्टिनी में क्या होगा, अच्छे भक्तों का संग भी मिलना होगा, बिकॉज भक्ति करके आ रहा है वो, अब भक्ति और आगे बढ़नी है ना तो भगवान उसको देंगे संगति दिलाएंगे उसको। सो कृष्णा विल डिजाइन हिज डेस्टिनी पर्सनली दैट दिस पर्सन गेट्स डिवोटी एसोसिएशन इन यंग एज। लेकिन हाँ अगर वैसे बात करें जनरली स्पीकिंग एक आम व्यक्ति जीवन में भी उसकी हाथों में लिखा था साधु संग आएगा, नहीं सर साधु संग मिलना जो होता है वो वास्तव में कृपा से होता है।
ओके, लेकिन किसी ने भक्ति पहले से की हुई है तो फिर कृपा बरसती रहेगी रहे उसके ऊपर, तो वो साधु संघ में बना रहेगा लाइक दैट। तो इस तरह से इट इज़ बियॉन्ड डेस्टिनी, इट इज़ बियॉन्ड कर्मा हैविंग डिवोटीज एसोसिएशन। हरे कृष्ण बाबू जी, भक्तों की संगति कैसे संभव हो जब घर में सब विरोधी हों और घर से बाहर की जानना हो तो? क्योंकि गांव मेरे फैमिली में अभी भी वही पुरानी सोच है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। या वेल, एज आई टोल्ड यू, ऑनलाइन एसोसिएशन एंड रीड शास्त्र, प्रभुपाद जी का संग करिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए लाइक दैट, एंड वंस यू ग्रो अप फिर देन यू गैन टू योर फैमिली लाइफ, सो देन यू कैन अफोर्स, यू कैन लिटिल बिट मूव आउट। हाँ, तो बट अदरवाइज वैन यू आर एज अ किड, अगर आप घर में हैं नाबालिग हैं, तो फिर घर के जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करने पड़ते हैं, स्पेशली फैमिली जो आपका कल्चर है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट स्टिल यू कैन टेक साधु संघा, ऑनलाइन साधु संघा एंड शास्त्र संघा, तो ये दो चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। वाई आर सम टेम्पल्स हैविंग स्कल्पचर्स ऑफ कामसूत्र, दे आर कार्व्ड ओवर द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स। देखिए, जो वॉल्स पे जो कामसूत्र के जो जो बनाए जाते थे, ये बेसिकली कब हुआ था? एक तो हुआ था महाभारत के युद्ध के बाद, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्षत्रिय मारे गए थे, तो इसीलिए अब और कई लोग जब उनके अंदर काम इच्छा है ही नहीं, सो दैट फेस क्या है, उस काम इच्छा को प्रमोट करने के लिए, ताकि फिर से प्रोजेनी हो, फिर से संसार की जो पॉपुलेशन है बढ़े। दूसरा हुआ था जब महात्मा बुद्ध के समय में कई लोग जो है मंक्स बन गए थे, तो इसलिए स्पेशली वैन अशोका ऑफ द किंग ऑफ कलिंगा, ही ऑल्सो ज्वाइन बुद्धिज्म, तो कई लोग जो है बुद्धिज्म में आ गए, तो फिर क्या हुआ, लोग फैमिली लाइफ से अलग हो गए, तो इसलिए अब बच्चे करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन जनता तो बढ़नी है ना, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, तो इसलिए फिर इस तरह के स्कल्पचर्स बनाए गए थे, सो दैट पीपल कैन अगेन हैव डिज़ायर, सो दैट फिर से लोग इसे प्रोजेनी को पैदा करने के लिए आ सकें, तो इसलिए जो है ये ऐसे स्कल्पचर्स हुआ करते थे। लेकिन अंदर जहाँ भगवान के दर्शन होने हैं, अंदर भगवान के दर्शन करने के स्थान पर, वहाँ पर कोई ऐसे स्कल्पचर्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर तो भगवान की मूर्ति हुआ करेगी। ओके, पर ये सिंबलाइज भी करता है कि अगर आपको लाइफ के कोर में पहुंचना है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप अंदर आ पाएंगे। जो व्यक्ति इन मूर्तियों को देखता रह जाएगा ना, वो अंदर नहीं जा पाएगा, जो कि सेक्सुअलिटी में सेंसुअलिटी में होगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा, भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा, राइट? लेकिन जो इनको छोड़ पाएगा, वही अंदर जाकर दर्शन कर पाएगा। तो इस तरह से टेम्पल्स ही सिंबलाइज भी करते थे दैट वी हैव टू लीव ऑल दिस टू एंटर इनटू द डिविनिटी लाइक दैट। तो इस तरह से हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे हार्ट के बाहर जो है द डिजायर ऑफ सेंसुअलिटी आर देयर, बट वी गो डीप इन टू इग्नोरिंग दोज डिजायर्स एंड वी गो डीप इन टू दैन वी विल सी परमात्मा, सो लॉर्ड इज देयर इन द हार्ट। सो द टेम्पल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हार्ट, आवर हार्ट, द आउटसाइड कैन बी अ वेनियर, अ कवरिंग ऑफ सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, पर और गहराई में जाएंगे इसको टाटा वाइवे कहते हुए, इसको इग्नोर करते हुए मूव फर्दर, वील हैव दर्शन ऑफ परमात्मा कृष्णा लाइक दैट। तो इसीलिए जो है इसका एक हिस्टोरिकल रीजन भी रहा, एक सोशल रीजन भी रहा, और इसका एक थियोलॉजिकल या स्पिरिचुअल रीजन भी रहा है कि किस लिए जो है टेम्पल्स के बाहर इस तरह की मूर्तियां हुआ करती थी, एंड कामसूत्र जैसे शास्त्र भी थे। तो शास्त्र में कामसूत्र भी है, सिर्फ कामसूत्र नहीं कि ऋषि मुनियों जो है उनको थोड़ी संस्कृत आती थी, तो उन्होंने क्या किया, कामसूत्र लिख करके फिर अपने गंदे काम छुपा लिए। ऐसे नहीं कि वो लोग खुद गंदे काम क्या करते थे, कामसूत्र वाज ऑल्सो बीइंग रिटन सो दैट समबडी कैन लिव एज अ गृहस्थ इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर बच्चे पैदा करना चाहता है, उसकी भी कला है, अब उसको एरोटिसिज्म के साथ जोड़ देंगे तो कहेंगे अरे तो बहुत ही गंदी बात बोल दी। लेकिन एक एक इसको एक एक फिनोमेना लेकर के चले, दैट इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बच्चा पैदा करने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और उसको जो है कामसूत्र के थ्रू बताया गया दैट हाउ समबडी कैन इनवोक डिजायर टू सो दैट दे कैन बी यूनियन विद द अपोजिट जेंडर एंड देन दे कैन बी प्रोजेनी। सो दैट्स वाई ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको कि एक्सप्लेन किया जा रहा है, ना कि एरोटिसिज्म, पोर्नोग्राफी और अपने गंदे काम साधु संतों ने संस्कृत लिख करके छुपा दिया, जैसे कि सुलीन को आज ऐसी वाहियात औरत ने बोला है संतों के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ऐसे हुआ करते थे। तो इसका एक उसका रीज़न है एक्चुअली वाई दीज कल्चर्स आर देयर, या कामसूत्र लिखा गया तो क्यों लिखा गया, पर कामसूत्र इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा भक्ति नारद भक्ति सूत्र भी है, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करा गया, नारद भक्ति सूत्र भी आता है, तो वो भी तो लिखा है, वो भी तो शास्त्रों से आ रहा है, राइट? इसका पुराण भी है, उपनिषद भी हैं, श्रीमद् भागवतम है, भागवतम इज 18,000 वर्सेस, कामसूत्र इज फ्यू हंड्रेड वर्सेस, दैट्स इट। तो कहाँ किसकी बुद्धि लगी हुई है वो देखना पड़ता है। सो दैट इज सुलीन कौर जैसी वाहियात औरतें जो होती हैं, दोज हु आर ब्लैक स्पॉट्स ऑन आवर कल्चर,
इन फैक्ट ऑन सिख कल्चर एज वेल, बिकॉज कई सिख लोगों ने भी जो है सुरलीन कौर जिन्होंने रिसेंटली शी पास अ वेरी स्टूपिड इडियोटिक कॉमेंट अबाउट ऋषिज एज वेल एज अबाउट इस्कॉन, सो दे हैव सेड यू नो शी इज नॉट एक्चुअली सिख, शी इज सिख, शी इज SICK नॉट SIKH. सो दैट वेज ऐसे स्कल्पचर्स रहते हैं तो उनका कारण रहता है, नॉट दैट ही हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट दिस ओनली. नहीं सर, अंदर जाके देखिए ना, इस्कॉन टेम्पल में आइए तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर हो अंदर हो प्रभु ही प्रभु हैं. ये तो कृष्णा पर तो कृष्णा, यतो यामी तत्तो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, लाइक दैट. पर कुछ ऐसे टेम्पल्स थे, सारे ऐसे टेम्पल्स नहीं है, कुछ ऐसे टेम्पल्स थे एंड दैट टू एट दैट टाइम. आजकल ऐसे कोई टेम्पल को नहीं बना रहा, सिर्फ उस टाइम बने थे महात्मा बुद्ध के समय में, तब ऐसे कुछ टेम्पल्स बने थे. पर आजकल ऐसे कोई टेम्पल बना रहा नहीं, ऐसे कोई टेम्पल नहीं बन रहा आजकल, नो नथिंग लाइक दैट. हरे कृष्ण प्रभु जी. एक्चुअली कई बारी होता है ना कि हम किसी भी बात को लेट गो नहीं कर पाते, लाइक फ्रेंड ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा हो गया, हम कुछ टाइम के लिए भूल जाते बट वो दिमाग में ही रहती है, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएं. देखिए, जब तक ना माइंड को पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देंगे तब तक क्या माइंड मन उसमें लगा रहेगा. सो वी शुड गिव माइंड अ पॉजिटिव एंगेजमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे ना इन टर्म्स ऑफ से लर्निंग समथिंग, ओके, देन वन कैन विदड्रॉ द माइंड. साथ ही लाइफ में नॉट एवरीथिंग इज परमानेंट, चीज़ें टेम्परेरी आती हैं चली जाती हैं, तो इसीलिए दिमाग में रखना उसको मीन्स आई एम मेकिंग इट परमानेंट इन माई हेड, इट्स गॉन नाउ, इट्स गॉन. मेरा कर्मा था दैट्स वाई ऐसा हो गया, कुछ सीखने को था मैंने सीख लिया उससे, अब आगे बढ़ो भाई. फिर से नेगेटिविटी आया, कम ऑन मैन, जो होना था हो गया, जो सीखना था सीख लिया, आगे बढ़ो भाई. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन. जैसे वो नेगेटिविटी फिर से स्ट्राइक करे, अरे भाई जो हो गया सो हो गया, जो सीखा था सीख लिया, आगे बढ़ो भाई. फिर से वो नेगेटिविटी, अरे जो होना था हो गया, जो सीखना था सीख लिया, आगे बढ़ो भाई. यू हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड लाउडली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, लाउडली, ओ कृष्णा आई एम योर्स, प्लीज कृष्णा प्लीज हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस, एंड कृष्णा विल सर्टनली टेक यू आउट. दिस इज दी प्राइमरी थिंग. भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपकी हम हेल्प करेंगे इस सारे पचौड़बाजी से जो यहाँ रखी हुई है, इससे निकलने में भगवान आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हु आर ग्रीक गॉड्स एंड आर दे रियल और फेक? नो डाउट, नो डाउट ग्रीक गॉड्स आर देयर एज पर देयर देयर ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक हिस्ट्री. पर ये ग्रीक गॉड्स ना रियली, दे आर नॉट रियली गॉड्स, दे आर वेरी पावरफुल बींग्स हु हैव गॉट सम मिस्टिकल पावर्स. सो दैट इज इट अपीयर्स दैट ग्रीक जो कल्चर इट्स अबाउट पॉलीथीज्म, बट एक्चुअली उसमें द गॉड द सुप्रीम लॉर्ड की बात नहीं की जा रही है, उसमें गॉड्स हैं. वे पीपल आर वेरी वेरी पावरफुल हु हैव गॉट सम मिस्टिकल पावर्स. ऐसे लोगों का आपस में जो एक्सचेंज है तो लगता है कि ओके ग्रीक गॉड वन गॉड अनदर गॉड, एक्चुअली गॉड दे आर नॉट रियली गॉड्स बट दे आर लाइक डेमी गॉड्स हु आर ऑल्सो पावरफुल बट नॉट द सुप्रीमली पावरफुल लाइक दैट. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी इन इस्कॉन देयर नीम एंड चंदन कंठी इज ऑल्सो अवेलेबल, सो कैन यू टेल मी दैट कैन नीम चंदन कंठी बेनिफिट अस? ऑफकोर्स, ये आपने सात्विकता बढ़ाती है नीम और चंदन, और इट हैव सेम इफेक्ट एज तुलसी. तुलसी के बराबर तो जी कुछ भी नहीं है जी. तुलसी महारानी तो ठाकुर जी के धाम से हैं, तो 84 लाख योनियों में आती ही नहीं है, तो इसलिए जो जो नीम है चंदन है देर ऑल्सो वेरी सात्विक ट्रीज, इनके भी कंठी वाला पहन सकते हैं आप. पर अगर आप भक्ति में अगर सीरियस हो गई हैं या हो गए हैं, और अगर आपने अभी पैरासन भी नहीं खाते हैं और चार नियमों का पालन करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो पैरासन, नो चाय कॉफी, यू हैव बिकम नाइसली सिंसियर डिवोटी प्रैक्टिसिंग डिवोटी, यू कैन वियर तुलसी कंठी वाला, व्हाई नॉट, दिस इज दी बेस्ट एक्चुअली. पर इन केस अगर कुछ ना कुछ बीच में खाना पड़ जाता है देन यू कैन हैव से नीम माला चंदन माला, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो दैट इज दैट यू कैन डिसाइड व्हाट इज योर currently your current status of life, you can choose which mala would be appropriate for you. Jai Shri Krishna Prabhu ji. Narayan is one and some people used to have pratimas of Vishnu ji, Ram ji, Krishna ji. Is it right way to admire or worship him? Yeah, of course, we had entire session on ideal worship and idol worship through PK and Oh My God, and we had detailed discussion on this. Okay. Prabhu ji pranam, mere ghar mein कुल देवी है तो क्या मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ? हाँ, कुल देवी अब हैं, उनको प्रणाम करिए, आशीर्वाद दिए, मांगे उनसे, हे कुल देवी आशीर्वाद दें, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो हमको. वी कैन डू दैट.
ओके मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ यदि किन्हीं के और कोई में कुल देवी या देवता कोई और भगवान है तो क्या सो भगवान की भक्ति कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जो कुल देवता है कुल देवी है उसे आशीर्वाद मांगे, हे कुल देवी हे कुल देवता जी कृष्ण भक्ति मिले हमको आशीर्वाद दीजिए, वाई नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी कैन डू दैट। ओके प्रभु जी अगर कोई गुरु कृष्ण भक्त है तो वो साथ ही साथ गलत काम भी करता हो तो क्या उसे छोड़ना चाहिए या नहीं? देखिए भले वो कृष्ण भक्त हो लेकिन अगर गलत काम करता है, मान लीजिए कोई छेड़छाड़ करता है, वो बदमाशी करता है, छोड़ देना चाहिए। यानी वो भक्त है लेकिन अभी वो कच्चा भक्त है, अभी इच्छाएँ भी हैं उसके अंदर, इच्छाओं इतनी प्रबल हैं कि और भक्ति इतनी कमज़ोर है उसकी कि इच्छाएँ उसे गलत काम करा देती हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु से स्वीकार नहीं करना चाहिए, भक्त है तो स्वीकार बस प्रणाम कर देंगे हरे कृष्णा जी, आप भक्त हैं आपको हरे कृष्ण, लेकिन गलत हरकतें करता है गुरु जी नहीं बनाना उसको, नो नो रिजेक्ट इमीजिएटली, ही कांट बी अ गुरु। गुरु मीन्स वन हु इज रियली सॉलिड इन भक्ति, उसको हम गुरु स्वीकार करते हैं। अरे यारे नथु गारे को ना ना नो वेज, वी कैन प्रे फॉर दैट गाय कि उसकी भक्ति ठीक हो जाए, उसकी इच्छाएँ कम हो निकलें सारी इच्छाएँ, ये कर सकते हैं, बट दैट पर्सन कांट बी एक्सेप्टेड एज गुरु। कैन यू प्लीज टेल मी दैट श्री गुरु नानक देव जी लॉर्ड श्री कृष्णा के डिवोटी थे? 200% थे, उनके गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है, जो श्याम सुंदर का नाम लेता है वो यमराज का चेहरा नहीं देखता है, नानक के हृदय में वो हमेशा कृष्ण निवास करते हैं जिन्होंने गीता बोली है, जो यशोदा मैया के घर में माखन चुराते हैं, गोपियों के घर से माखन चुराते हैं, जिनके सर पे पीकॉक फेदर हैं, ऐसे कृष्ण जो हैं वो नानक के हृदय में वास करते हैं। क्लियर है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, मैंने खुद ने पढ़ा है, सुनी सुनाई बात भी नहीं है, मैंने सारा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, क्लियर है, कृष्ण भक्ति हरि भक्ति वेरी क्लियरली। सो गुरु नानक देव जी वॉज 200% ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। हरे कृष्ण जी राधा रानी के नाम से पहले श्री और श्रीमती दोनों क्यों लगाते हैं? दैट्स अ वे टू ऑनर, जैसे हम श्रीमती राधा रानी के पहले लगाएंगे श्रीमती, फिर उनसे श्री राधिका, जैसे बोलते हैं श्री राधिका और से श्रीमती राधिका ऐसे बोलते हैं, सो दैट इज श्री, दैट्स अ वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। श्रीमती मीन्स ऐश्वर्य युक्त श्री, ऐसा, हालांकि श्री का मतलब भी राधा रानी ही है। ओके लाइव इसी श्री जी, श्री जी का मंदिर है लेकिन इनका राधा रानी का मंदिर है, श्री कौन है? राधा रानी है, शी इज ओरिजिनल श्री, लक्ष्मी है उनके लिए भी आता है श्री, ऐश्वर्य के लिए भी होता है श्री। ओके श्रीमान, ओके श्री अनिल कुमार जी, सो श्री कि भाई आपको रेवरेंस के तौर पे, बट अदरवाइज श्री और श्रीमती इज अबाउट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तो इसलिए फिर श्रीमती या श्री लगाया जाता है किसी के नाम के पहले या श्रीमती राधा रानी के नाम के पहले। प्रभु जी व्हाट इज मनवंतर, व्हाट इज कल्प? ओके ये वेल होता क्या है मनवंतर और कल्प में, इसका कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन बीतता है ठीक है जी, उसके अंदर 14 मनवंतर होते हैं ठीक है जी, तो इसी से जो है उनका और इस तरह से जो मनवंतर होते हैं इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ द मनुज जो कि मनवंतर अवतार के रूप में आते हैं और फिर वो रूल करते हैं। अब ये जो समय है इसको एक मनवंतर बोलते हैं ठीक है जी, इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का जब एक दिन कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं कल्प बोलते हैं उसको, तो इसको हम कभी अलग से आपको समझाएंगे इन डिटेल, अभी आप इसकी चिंता ना करें। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड भगवान रिसाइडिंग एज सुपर सोल इन आवर हार्ट्स? ओके एज टोल्ड इन द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रिटन बाय जोसेफ मर्फी, डज एनीथिंग कैन बी अचीव जस्ट बाय रिपीटिंग इट इन द माइंड व्हाइल स्लीपिंग और एनी अदर टाइम ऑफ द डे? कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट बिलीव एंड यू विल गेट इट? नो, ऐसा नहीं होता कि यू जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इट कि हाँ मुझे पाना ही पाना है, पाना है पाना है पाना है पाना है पाना है पाना है, सिर्फ चाहने से नहीं होता। अगर परमात्मा का उसमें अप्रूवल भी हो जाता है देन दैट कैन बी एक्सेप्टेड कि ओके ये आई वॉज डिटर्मिन टू अचीव इट एंड आई कुड अचीव इट, पर हम सोचे जस्ट मे बाई थिंकिंग मैं किसी चीज़ को बालूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कई लोग हैं उसने बड़ी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा था, किसी को किसी व्यक्ति को चाहा था लेकिन वो चला गया किसी और के साथ शादी करके, क्या करें, जस्ट बाय थिंकिंग इट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, किरण किरण आई लव यू किरण करके बंदा मर गया लेकिन किरण नहीं मिली उसको, तो कायनात ने षडयंत्र रचा गया उसको मिलाने के लिए। ये तो हालांकि फिल्मी एग्जाम्पल है पर ऐसा कई लाइव एग्जाम्पल्स भी हैं, तो इसीलिए डिजायर होनी चाहिए, डिजायर के ऊपर भी परमात्मा का अप्रूवल भी होना चाहिए राइट। आपके कर्मों के अंदर अब मैं अगर वो चीज़ नहीं लिखी हुई ना, इवन इफ यू डेस्परेटली डिजायर इट वो भी आपको नहीं मिलती। आई सी मेनी एग्जाम्पल्स, दे हैव डेस्परेटली डिजायरिंग टू गेट इनटू IIT, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना, मेहनत करना, नहीं हुआ। छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ उसका, नहीं हुआ IIT के अंदर उसका। डिजायर थी, बहुत तीव्र डिजायर थी,
इवन एक का तो नहीं हुआ, ही कमिटेड सुसाइड। कितनी डेस्परेट डिजायर रही होगी बेचारे की कि मेरे को आईआईटी में जाना, आईआईटी में जाना, आईआईटी में जाना, आईआईटी में जाना, नहीं हुआ, कमिटेड सुसाइड। और सुसाइड का मतलब है कितना तीव्र डिजायर होगी। 12 घंटे पढ़ा करता था वो, खाना पीना छोड़ रखा था, किनारे कर रखा था उसने। अरे तो इसलिए ये जो किताबें लिखने वाले होते हैं ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट के अंदर भगवान को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए इनकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है, स्पेकुलेशन वाली होती है, इमेजिनेशन होती है उसके अंदर, कल्पनाएं होती हैं। ये कंप्लीट ट्रुथ को कभी नहीं बता सकते क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट के अंदर भगवान होते ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियस माइंड एंड देयर इज सब कॉन्शियस माइंड एंड देन देयर इज इंटेलिजेंस एंड देयर इज सब इंटेलिजेंस। इस तरह इन टर्म्स में आपको पूरा घुमा देंगे, किताब लिख देंगे, किताब खरीद लोगे आप, इनको रॉयल्टी मिल जाएगी, इनका घर पल जाएगा, बस। पर ट्रूथ तब तक सामने नहीं आएगा जब तक भगवान पिक्चर में नहीं आएंगे ना, तब तक ट्रूथ सामने आएगा ही नहीं। सो दैट वेज इट विल ऑलवेज रिमेन कन्फ्यूजिंग। तो इसलिए इस तरह की किताबें मत पढ़िए। आपको अगर माइंड के बारे में जानना है, यू स्टडी भगवद गीता, दी बेस्ट फॉर द माइंड। प्रभु जी इससे रिलेटेड तो नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट डिफरेंस बिटवीन द्वैत एंड अद्वैत इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वामी आचार्य प्रशांत। सर एनी रिलेशन बिटवीन श्री चैतन्य प्रभु एंड शंकराचार्य? ओके, मेरा आचार्य प्रशांत कौन है, आई हैव नो आइडिया, बट यस, द्वैत और अद्वैत। देखिए द्वैत हुआ क्या कहता है, द्वैत हुआ टेल्स अबाउट द डिफरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। हर चीज में जो है डिफरेंस है, दिस वॉज कॉइंड बाय श्रीपाद मधुआचार्य। तो उन्होंने बताया हर चीज में डिफरेंस है, भगवान में, उनके अवतार में, देर इज डिफरेंस। अवतार भगवान में और जीव में देर इज डिफरेंस। जीव जीव है, भगवान भगवान है। हम में और प्रकृति में देर इज डिफरेंस, प्रकृति में भगवान में देर इज डिफरेंस। प्रकृति प्रकृति एनर्जी है, गॉड इज एनर्जेटिक, लाइक दैट। अद्वैत क्या है, इसको माना है अरे इसे सब बराबर ही है जी, ऐसा। सो ऑफकोर्स कुछ चीज़ों में देर इज वननेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी और मैं, हमें कुछ कॉमन भी है, हम बिल्कुल कॉमन है जी। वो भी चश्मा लगाते हैं, मैं भी चश्मा लगाता हूँ, मेरी भी नाक है, उनकी भी नाक है, मेरे भी दो पाँव हैं, दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, उनकी भी दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, बिल्कुल बिल्कुल है जी। ही इज एन इंडियन, आई एम ऑल्सो इंडियन। अच्छा फर्क क्या है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, मेरा नाम है अमोघ लीला दास। वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज रूलिंग इंडिया, मैं उनके इस साम्राज्य में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला एक छोटा सा एक नागरिक हूँ। तो ज़्यादा बड़ा क्या है, वननेस की डिफरेंस, डिफरेंस ज़्यादा है। वननेस भी है हमारे में, हमारे दो हाथ दो पाँव, उनके भी दो हाथ दो पाँव, दो आँखें एक नाक, कॉमन भी है जी, अद्वैत वननेस भी है, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा है। तो पूरी सृष्टि के अंदर अद्वैत भी है और द्वैत भी है, लेकिन द्वैत ज्यादा है, अद्वैत कम है, ऐसा। तो बाहर से देखा जाए तो अद्वैत नजर आता है, जैसे मटर देखें अगर बाहर से एक नजर आता है, खोल के देखें अलग अलग है। तो कोई चीज ऑन द सर्फेस अपीयर्स टू बी अद्वैत, जैसे अगर कोई दूर से अगर किसी वृक्ष को देखे, वेल दैट्स ग्रीन ट्री, पास जाके देखेगा उसमें पत्ते भी हैं, उसमें फल भी हैं, उसमें हरे रंग का तोता भी बैठा हुआ है, लेकिन दूर से इट ऑल अपीयर टू बी वन। पास जाके देखा डिटेल भी नहीं है, हाँ नहीं अलग अलग भी है, अलग अलग भी है, ओह यस। तो इसे दूर से देखे तो अद्वैत नजर आता है, पास जाके देखेंगे तो लगता है अरे ये तो द्वैत भी है। सो वननेस भी है दूर से देखे, पास जाके देखे तो डिफरेंस भी है, द्वैत भी है। पर द्वैत यानी कि डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, अद्वैत जो है वो कम है। तो कुछ लोग अद्वैत पे फोकस करते हैं, कुछ लोग द्वैत पे फोकस करते हैं, पर कंप्लीट रियलिटी पता लगती है जहाँ द्वैत अद्वैत दोनों पे फोकस करते हैं, तो पता लगता है ओके 90% तो द्वैत ही है, 10% अद्वैत भी है। तो हो सकता आचार्य प्रशांत को मुझे पता नहीं उनका क्या फिलोसफी है, शायद वो फोकस करते हो अद्वैत के ऊपर, आई नो आइडिया, पर एक्चुअली बोथ द फिलोसफीज आर देयर। तो शंकराचार्य है, ही फोकस ऑन द अद्वैत पार्ट, ओके, एंड शंकराचार्य मध्वाचार्य फोकस ऑन द अद्वैत पार्ट, एंड मध्वाचार्य फोकस ऑन द्वैत पार्ट। शंकराचार्य अद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, इन दोनों का सामंजस्य जो साथ लेकर के आए, एज अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी है अभेद भी है अचिंत्य रूप से, दैट इज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हु इज कृष्णा हिमसेल्फ, ही गेव द कंक्लूसिव फिलोसफी ऑफ अचिंत्य भेद अभेद, लाइक दैट। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड, ओके ओके सर। एनी रिलेशन बिटवीन श्री चैतन्य महाप्रभु एंड शंकराचार्य? वेल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, शंकराचार्य इज शिवजी, सो दैट इज चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो इन अ वे ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य एज वेल, बिकॉज लॉर्ड चैतन्य इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो यही संबंध है उनके बीच में। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम कन्फ्यूज अबाउट गायत्री मंत्र, सो प्लीज प्रभु जी एक्सप्लेन इट। नहीं गायत्री मंत्र जो होता है, कहते हैं गायत्री है, ब्रह्म गायत्री इज मोस्ट फेमस। मैं यहाँ बोल नहीं रहा बिकॉज बोलना नहीं चाहिए, जो टेप रिकॉर्डर चल रहा था ना वो गलत है, गायत्री मंत्र हमेशा मन में क्या आता है, गायत्री हमेशा इज डन ऑन जनेऊ, ये जनेऊ है, इस पर ऐसे लपेट करके
इसको हाथ को छुपा करके एंड देन वी चैंट गायत्री. उसके बाद अपनी उंगली पे काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 टाइम्स हमें गायत्री करनी होती है. तो इस तरह से गायत्री जो है शांति सीखी जाती है. इन्हें टेप रिकॉर्ड में ला दिया प्रचोदयात. नहीं सर ऐसे नहीं होता. सो गायत्री शुड ऑलवेज बी डन मेंटली. यहाँ एट द मैक्स हल्का सा बोल रहे ऐसे करके बोल सकते हैं. वी कैन विस्पर दैट्स इट. और गायत्री जब तक गुरु से ना मिले तब तक वो इफेक्ट नहीं दिखाती. भले वो कितने को टेप रिकॉर्डर सुन ले उसकी गायत्री मंत्र के. ना ना ना. ओनली हरे कृष्ण महामंत्र अगर दीक्षा ना मिली हो तो भी शुद्ध करता है. गायत्री मंत्र बिना दीक्षा के प्राप्त किए हुए कोई कितना सुन ले उसको लाभ नहीं मिलेगा. जब तक गायत्री एक प्रमाणिक गुरु से प्राप्त ना हो तब तक गायत्री का फल प्राप्त नहीं होता. ओके सो दैट्स अबाउट गायत्री. एंड दैट मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र इज मोर मर्सीफुल देन गायत्री मंत्र. एंड गायत्री मंत्र इज इंक्लूडेड इन हरे कृष्ण महामंत्र. सो हरे कृष्ण महामंत्र करिए गायत्री की चिंता क्यों करते हैं जी और क्या. ऑलराइट अगला सवाल है हरे कृष्ण प्रभु जी. आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी फोर्सेज सो कैन स्पिरिचुअलिटी बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली वाइल प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस. प्लीज गिव सम टिप्स फॉर प्रिपरेशन एंड इंक्रीज मोर स्पिरिचुअल नॉलेज. वेल ऑफकोर्स कर सकते हैं पर हाँ उसमें बस पोस्टिंग रहेगा. अगर आपको सियाचिन भेज दिया गया तो आप भक्ति कैसे कर पाओगे राइट. तो लेकिन अगर आप करना चाहते हैं आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं देन ऑफकोर्स यू शुड बी फिजिकली फिट. और साथ ही मेंटल फिटनेस के लिए यू कैन चैंट हरे कृष्णा यू कैन रीड भगवद गीता दैट यू कैन डू. देर मेनी सोल्जर्स दे ऑल्सो डू दैट इन सम ऑफ द आर्मी कैंप्स. वहाँ पर हरे कृष्णा डिवोटीज भी हैं नॉट एवरीवेयर बट यस इन सम ऑफ द प्लेसेस दे आर देयर. तो पर लेकिन हाँ पूरी फुल ऑन भक्ति नहीं चल पाती बिकॉज दे हैव सर्टन स्केड्यूल टू फॉलो. और कुछ चीज़ें हमको खानी पड़ती हैं एज अ मैटर ऑफ हैविंग फिजिकल फिटनेस. सो दैट वेज देयर कैन बी फ्यू चैलेंजेस बट यस ओवरऑल यस समबडी कैन डू भक्ति एज वेल बाई बींग इन आर्म्ड फोर्सेज. So that is then you are to that you have to decide you, what is your priority, being in going to armed forces or practicing serious spirituality, or you want to have part time spirituality in armed forces. That's also that's up to you. But if you want full time spirituality, then of course then armed forces may you may not be fully facilitated for bhakti. So that choice is yours. As you decide, you may kindly go ahead. Okay, Hare Krishna, Prabhu ji. मेरा सवाल है कि scientists कहते हैं कि राम जी 8000 साल पहले आए थे लेकिन त्रेता युग और द्वापर युग की अवधि तो इससे कहीं ज़्यादा है. इसको कैसे समझें. साइंटिस्ट जो हैं राम जी के बारे में कुछ नहीं जानते. क्या जानते हैं राम जी के बारे में. कुछ नहीं. विद देयर स्पेकुलेटिव नॉलेज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड राम जी. राम जी कैन बी अंडरस्टूड बाई भक्ति नॉट बाई रिसर्च. कि भाई किसी ने कार्बन डेटिंग करके पता किया राम जी जो थे 8000 साल पहले आए थे. नहीं सर 8000 साल पहले तो देवास द्वापर युग है. तो राम जी आए थे त्रेता युग में. सो इसलिए साइंटिस्ट की बात को इस मामले में तो वी विल नॉट कंसिडर द ओपिनियन ऑफ साइंटिस्ट एनी मोर. ओके वट इज काल शक्ति. काल शक्ति इज द टाइम शक्ति विच मेक थिंग्स हैपन. जैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है कैसे होती है. एक कैटलिस्ट से होती है. कैटलिस्ट होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी. इस तरह से दुनिया के अंदर जितने भी एक्शन रिएक्शन चल रहे हैं उसमें जो कैटलिस्ट है दैट इज एक्चुअली काल शक्ति. ओके टाइम फैक्टर. ओके वट हैपन्स आफ्टर सुसाइड. Usually people become ghost, okay, after committing suicide. But yes, if somebody had to commit suicide out of under force of somebody, then as per karma, one gets next body. पर किसने जानबूझ करके अगर suicide किया हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को फिर जो buffer time था जो कि उस शरीर में उसको बिताना चाहिए था पर उसने नहीं बिताया suicide किया तो buffer time उसको भूत प्रेत की योनि में बिताना पड़ेगा. मान लीजिए 50 साल की उम्र तक इस शरीर में रहना चाहिए था. मैं 35 की एज में आया मैं दुखी हो गया मैंने सुसाइड कर लिया तो बाकी 15 साल अब कहाँ बिताएंगे. फिर बाकी 15 साल भूत ही उन्हें बिताने पड़ेंगे क्योंकि मैंने अपना शरीर क्या किया जानबूझ करके समय से पहले डिस्ट्रॉय कर लिया. लाइक दैट सुसाइड केस में ऐसा होता है. ओके हाउ टू कॉल गॉड टू मी. व्हाई इज नॉट गॉड कमिंग ऑन अर्थ टू सॉल्व COVID-19. ओके एक्चुअली COVID-19 ये भगवान का आशीर्वाद ही है वैसे तो. ठीक है जी प्रकृति को साफ करने का ये भगवान का तरीका है. ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि अपने बुढ़ापे से बहुत कष्ट पाए हुए थे उनको शरीर छोड़ करके अब नई आत्मा उस आत्मा ने फिर अब नया शरीर लिया है. अब कहीं ना कहीं पर नो डाउट उनकी फैमिली वालों को दुख हुआ उसके लिए हम भी दुखी हैं. लेकिन COVID-19 की वजह से प्रकृति साफ हुई है. आकाश साफ हो गया जल साफ हो गया. कहीं ऐसी स्पीशीज थी देवर एक्सटिंग्विशिंग वो अब खत्म हो रही थी. नाउ देवर बिकेम एक्सटिंक्ट सॉरी एक्सटिंक्शन में थी. नाउ दे आर अगेन कमिंग टू सरफेस. तो इसलिए COVID-19 ओवरऑल हैज़ बीन मोर ऑफ अ बून. लोगों का ना मीट छूट गया. लोग मांस नहीं खा रहे क्योंकि उनको पता है COVID-19 कैसे आता है मीट से आता है जी. तो लाखों लाखों लोगों ने मीट छोड़ दिया. घर बैठे थे दारू नहीं पी पा रहे थे
कई लोगों की सैकड़ों लोगों की दारू छूटी छूट गई, कुछ लोग ऐसे पगलैट बैठे थे तो जब दारू के ठेके खोले तो पहुंच गए वैसे वहां पर। लेकिन कईयों ने फिर कहा जब 2 महीने बीती गए बिना दारू के तो ठीक है आगे भी चले जाते हैं, तो लाखों लोगों की दारू छूट गई, लोग फैमिली के साथ समय बिता पाए, घर में बैठ पाए, ऑनलाइन कोर्सेज कर पाए, नहीं तो भागा दौड़ी में थे क्या करते, लेकिन अभी ऑनलाइन कोर्सेज कर पाए। आपके ऐसे कई लोग हैं दे आर डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड वेरी नाइस, तो ये भी अच्छा हो गया। लोगों को ये पता लगा कि बिना जंक फूड के भी हम खुश रह सकते हैं, घर के खाने से नो वी कैन बी हेल्दी, वी कैन बी इट वेरी नाइस, पोल्यूशन कम हो गया। सो दैट केस COVID-19 ही अपने आप में भगवान का आशीर्वाद ही है, नो डाउट। जो लोग मरे हैं उनके लिए सांत्वना है, कहीं ना कहीं जो उनको उनका अच्छा जन्म ही होगा अगला जन्म, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कैंसर से लोग मर रहे हैं, 8 लाख मरते हैं हर साल, 8 लाख लोग मर जाते हैं, टीबी से 12 लाख लोग मर जाते हैं फिर, लेकिन COVID-19 से डरे हुए क्यों? COVID-19 को ना मीडिया कवरेज बहुत अच्छी मिल गई थी, तो इसीलिए जो है कई लोग सोचते भाई COVID-19 में भगवान कुछ क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते भगवान कुछ नहीं करते। सो दैट इज COVID-19 हैज बीन, ये अभिशाप भी है और ये आशीर्वाद भी है, लेकिन आशीर्वाद ज्यादा है अभिशाप कम है, इस वे डीपली जाके देखेंगे ना तो ऐसा है। इकॉनमी डाउन हो रही है लेकिन इकॉनमी पूरी दुनिया की एक साथ डाउन हुई है तो एक साथ ऊपर भी आ जाएगी, सो दैट वे ऐसे क्वेश्चन वाली बात नहीं है। ओके सो प्रभु जी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, अनस्टेबल माइंड, फैमिली टेंशन से डील करने के बारे में कर सकते हैं आप अनस्टेबल यहाँ एलोबरेट कर सकते हो आप? यस ऑफ कोर्स, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, अनस्टेबल माइंड है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वे टू क्रैक स्ट्रेस। ओवर थिंकिंग आती है ओवर डेटा और डाउनलोड, ये जो हम सोशल मीडिया में दिन रात बैठे रहते हैं ना उससे क्या होता है, ओवर डेटा डाउनलोड होता है, ओवर डेटा डाउनलोड होता है तो फिर ओवर थिंकिंग होती है उससे, ऐसा लाइक दैट। तो इसलिए हमारा सोशल मीडिया से थोड़ा जो है सर्कुलेशन में कम करना चाहिए, वी शुड कल्टीवेट स्पिरिचुअल नॉलेज, उससे भी आपकी थिंकिंग जो है शांत होगी। ओके, अनस्टेबल माइंड इट कैन बी कॉन्कर्ड बाय स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र मनः त्रायते इति मंत्र, मन को तारने वाला है मंत्र, तो अनस्टेबल माइंड है दैट कैन ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है जी, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दहेज प्रथा ये, ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये सब असल में सनातन कल्चर से आता है, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस। देखिए दहेज प्रथा बेसिकली क्या थी, इट वॉज अ वे ऑफ गिविंग गिफ्ट, बस दैट्स इट, गिफ्ट में आप जिसकी आप जितनी बिसात हो गिफ्ट करें, हमारी बेटी है साथ साथ में कन्यादान तो कर ही रहे, साथ में थोड़े फल की टोकरी दे दी साथ में, ठीक है जी, साथ में कुछ जो है एक आध इंस्ट्रूमेंट कुछ कुछ दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दी, ऐसा हल्का बोला कोई गिफ्ट दे दिया, बस गिफ्ट है। दहेज वॉज नॉट दिस, की देखिए दहेज में लिस्ट निकालो जी अपनी, एक हमको गाड़ी चाहिए और हमको फ्रिज चाहिए और हमको एक बंगला चाहिए और नहीं ये लिस्ट इसके, ये दहेज ऐसा नहीं हुआ करता था। दहेज साहब ठीक है लड़की वाले जो अपना आराम से देना चाहें दे सकते हैं, लाइक आई हैव अटेंडेड सम ऑफ द मैरिजेस, उसके अंदर दहेज भी था जो आप देना चाहें, तो लोगों ने फलों की टोकरियाँ दी, आम के पेटियाँ थी वो दी कि ओके आप आम खाइए, फल सब्जियाँ वो लीजिए, इस तरह की कुछ चीज़ें दी, सही सिलाई मशीन दे दी, ये सब चीज़ें दिया करते थे एज अ गिफ्ट। दहेज पता बाद में ये होगी डिमांड, माजिब लड़का बेचना है जी, अब तो हमें हमारा इकलौता लड़का है जी, कम से कम 50 लाख का बेचेंगे इसको, तो जी दहेज लेते जाओ जी, उसका बेटी के साथ शोषण करो, इसको मार दो, दूसरी शादी कराओ, फिर दहेज लो। तो ये तो डिस्टॉर्टेड वर्जन का है वास्तव में, तो पहले कन्यादान होता था फिर जो गिफ्ट देना चाहें वो दे दिया करते थे और गिफ्ट एक्सचेंज हुआ करते थे, यानी कि लड़के के साइड में लड़की को भी जाएंगे गिफ्ट, लड़की के साइड में लड़कों को गिफ्ट जाएंगे, तो दैट इज गिफ्ट एक्सचेंज हुआ करते थे लाइक दैट। तो अभी जो हो गया वो दैट्स क्रेजी थिंग एक्चुअली, लालच ने जो है बुद्धि भ्रष्ट कर दी कलयुग वालों की। गे लेस्बियन होमोसेक्सुअल्स ये सब फीलिंग्स क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से आती हैं या नहीं? नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई नहीं है वहाँ गे लेस्बियन होमोसेक्सुअल, वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्योंकि वहाँ हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होते, यहाँ व्यक्ति के हार्मोन इम्बैलेंस भी होते हैं बिकॉज सम बैड कर्मा इट दिस हैपन्स, किसी का शरीर पुरुष का है ओके लेकिन अंदर जो मन है वो स्त्री का है, इन द सेंस और से या उसके जो कुछ हार्मोन्स है वो स्त्री वाले हैं, सो दैट पर्सन बिहेव्स लाइक गे, और से अदर वे अराउंड एज वेल, जो शरीर है वो स्त्री का है लेकिन उनके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, दैट्स लाइक ऑफ ऑफ अ मैन, तो दैट पर्सन कैन बिहेव लाइक अ टॉम बॉय। कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं दे डोंट फील लाइक एनी मैरिड, कम ऑन मैं क्या शादी करूँगी इस छिछोरे से, बस दे आर लाइक टॉम बॉयश, उनमें स्त्री की नाजुकता होती नहीं उनके अंदर, दैट वे सम काइंड ऑफ बैड कर्मा दैट वन गेट्स दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देर इज नो हार्मोनल इम्बैलेंस, वहाँ तो स्पिरिचुअल बॉडी है,
ये हड्डी मांस का शरीर है ही नहीं, तो हार्मोन आएंगे कहाँ उसके अंदर, सच्चिदानंद रूप है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ ये लेसबियन होमोसेक्सुअल नो वेज, ये संसार में ही है कुछ चीज़ें, क्या कर सकते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ बैड कर्मा, दैट सेक्सुअली द पर्सन इज डिसओरिएंटेड। एक्चुअली नो डाउट वी अकोमोडेट इन द सोसाइटी, वी डोंट हेट दैम, पर कहना जी ये भी एक तरह की नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं है। भगवान ने स्त्री और पुरुष ही बनाए थे, मिक्सचर जो होता है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ बैड कर्मा, वेयर सेक्सुअली वन कैनॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन ऑल टुगेदर। सो दैट वेज देर इज नो सच थिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऑलराइट, सो ये था सेशन ऑन द क्वेश्चन सेशन ऑन एसोसिएशन, द वैल्यू ऑफ